陈高彻。पर आखिरी सौदा में हर 15 मिनट पर आपको मिलेगा एक दमदार ट्रेड। राहुल शर्मा देंगे ट्रेड एट 215, राजेश पालविया ट्रेड एट 230, श्रीकांत चौहान आपको बताएंगे ट्रेड एट 245। भसीन जी से जानिए उनके भरोसेमंद शेयर ठीक 3 बजे। इतना ही नहीं, हमारे साथ इस समय फंडामेंटल एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय साहब भी जुड़ चुके हैं। यतिन भी देखिए बिल्कुल तैयार हो रहे हैं, बताएंगे आपको डीलिंग रूम्स में क्या चर्चा हो रही है। आशीष हमारे साथ यहां पर स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। तो एक्शन पैक आखिरी 90 मिनट भारतीय बाजारों में आपको देखने को मिलेंगे। और धीरे धीरे करके देखिए 22,000 के ऊपर बैंक निफ्टी निकल गया है, और यही सुबह सुबह चर्चा भी हो रही थी जब हमने आप 10:30 बजे के आसपास देखिए बाजार को छोड़ा था, और यही कहा था यहां से बैंक निफ्टी बहुत ही गजब की रैली दिखाएगा। और देखिए बिल्कुल वैसा ही देखने को मिल रहा है, बाय ऑन डिप्स की रणनीति बताई गई थी और वही देखिए पैसा बनाकर दे रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि देखिए एक आध दो तीन दिन 22,000 के नीचे रहने के बाद अब वापस से देखिए बैंक निफ्टी ने अपनी चाल पकड़ ली है, और क्या गजब की रैली, तो सेंचुरी लगा दी है निफ्टी ने, और 1.25% ऊपर मिड कैप इंडेक्स। पिछले कुछ दिनों से जब थोड़ी बहुत सुस्ती भी थी, कंसोलिडेशन भी था, तब भी हम देख रहे थे वीरू मिड कैप इंडेक्स का टेम्पो हाई था, जोश हाई था, और आज देखिए ये जोश और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट सुबह भी की स्ट्रेटजी डायरेक्टर साहब लाइए, सुबह भी यही बात हो रही थी कि कंसोलिडेशन करने के बाद ब्रेकआउट दिखेगा, ब्रेकडाउन नहीं दिखेगा। एफआईआई जो है वो भारतीय बाजारों में खरीदारी कर रहे हैं, इसी के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। घरेलू संस्थागत निवेशकों की बिकवाली पर फोकस करेंगे तो देखिए ये रैली मिस कर जाएंगे। और कल भी आप देखिए जैसे ही छोटी सी डिपाई थी खरीदारी हुई, दिन के हाईज पर जाकर बंद हुआ, और आज भी देखिए मिड कैप और स्मॉल कैप की पार्टी जारी है। तो स्ट्रेटजी में कोई बदलाव नहीं है, अभी भी आपको तेजी ही चेज करनी चाहिए। मिड कैप्स में थोड़ी ज्यादा है, लार्ज कैप्स में भी देखिए सेकंड हाफ में आप बनने को मिल रही है, तो बहुत सारे लार्ज कैप्स भी हम आपको बताएंगे। और मंदी देखिए तब तक मत सोचिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं 10,840 ये 200 डीएमए है, और जब तक इसके नीचे नहीं चले जाए तब तक आपको मंदी का विचार लाना सही रणनीति शायद नहीं होगा। तो वीरू बिल्कुल इसी टेम्पलेट पे चल रहा है बाजार। जी हाँ, और अच्छी बात यह है हेमंत कि 22,050 के महत्वपूर्ण क्लस्टर को बैंक निफ्टी ने पार कर दिया। तो इस वक्त का क्रक्स क्या है, देखिए सुबह सुबह हमारी अप्रोच थी कि बैंक निफ्टी लॉन्ग है दोनों है, लेकिन क्रिटिकल पार्ट सबसे अगर कोई था वो था 22,000 का निफ्टी बैंक का कोलाइटर बाहर निकल जाना, वो बैकफुट पे है। तो अप्रोच क्या होनी चाहिए, याद रखिए निफ्टी जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं वो होल्ड रखिए। आज 11,200, 250, 11,300 तीनों पे पुट राइटर विजिबल है, तो ये जो कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आया है ये काफी काबिले तारीफ है, और इसके नीचे बड़े पुट राइटर्स खड़े हैं। आपके पास दो विकल्प हैं, या तो फ्यूचर्स रखिए, और अगर आप एक और चीज कर सकते हैं वो है 11,400 की कॉल, इसी वीकली कॉन्ट्रैक्ट की आप ऐड भी कर सकते हैं। तो सुबह भी इनफैक्ट मैंने कहा था कि अगर फ्यूचर्स को होल्ड करने में थोड़ी दिक्कत लग रही है तो ऑप्शन में कन्वर्ट कर लें 11,400, बट स्टिल लॉन्ग होल्ड करनी है आपको। बैंक निफ्टी 22,050 का एक महत्वपूर्ण लेवल निकाल चुका है, नीचे जो आपका पुट राइटर 21,500 पे था अब वो आएगा 22,000 के जोन में। तो 22,000 के जोन में निकलने के बाद अब नेक्स्ट पॉसिबल जोन क्या होगा, जो सुबह भी टिप्पणी की थी मैंने 22,300, 22,350, वो क्या है, निफ्टी बैंक का 100-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो कॉन्फिडेंस है बाजार में, कोटेक अच्छा करता हुआ, एचडीएफसी बैंक अच्छा करता हुआ, एसबीआई डे हाई पर, इंडसइंड बैंक डे हाई पर, तो अपने स्टॉप लॉसेस को डे ट्रेडर्स ट्रेल करें, लेकिन पोजिशनल ट्रेडर्स जो है वो बने रहें। आई थिंक स्ट्रक्चर और ब्रेथ हेमंत काफी अच्छी खासी है, जिस दिन बाजार में कमजोरी थी मिड कैप्स ने ब्रेथ बनाए रखी, और आप देखिए आज लार्ज कैप ने उस ब्रेथ को हाथों हाथ ले लिया हेमंत। बिल्कुल, तो देखिए जबरदस्त सेशन है, और अब बताते हैं आपको रणनीति क्या होनी चाहिए, हमारे एक्सपर्ट से जानते हैं। राहुल शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं और बाकी के मेहमान भी देखिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पालविया साहब भी आपको इस समय स्क्रीन पर नजर आएंगे, आशीष भी बिल्कुल रेडी हैं, और बंदोपाध्याय साहब भी देखिए बिल्कुल तैयार हैं। सुदीप बंदोपाध्याय साहब स्वागत है आपका, मार्केट पर आपका व्यू बताइए क्या, और कोई सेक्टर या कोई स्टॉक जिसके ऊपर आपकी नजर हो तो वो भी बताइए प्लीज। हेमंत जी, मार्केट का मूड तो बिल्कुल पॉजिटिव है जैसे हम लोग देख रहे हैं, और ग्लोबली ये पॉजिटिव मूड बरकरार है। हम लोगों को लगता है कि जैसे पिछले हफ्ते भी जिक्र कर रहे थे कि नवंबर तक, यूएस इलेक्शन तक, यूएस फेड और यूएस गवर्नमेंट बहुत सारा लिक्विडिटी और भी मार्केट में और इकोनॉमी में लाएंगे, और इसके चलते रिस्क ऑन मूड ग्लोबल इन्वेस्टर का बरकरार रहेगा। तो इंडियन मार्केट में भी एक पॉजिटिव मोमेंटम रहने की उम्मीद है।
इसके अलावा डोमेस्टिक का जो फैक्टर्स है उसमें अगर ध्यान दे तो मॉनसून ठीक ठाक चल रहा है और इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट आने वाले दिनों में इकोनॉमी में जरूर देखने को मिलेगा। हाँ, लॉकडाउन लेके बहुत सारे अनिश्चयता, बहुत सारे शंका और बहुत सारा इकोनॉमिक कॉस्ट भी उसका है, पर इस माहौल में ये मॉनसून ठीक ठाक होना एक पॉजिटिव इकोनॉमी के लिए माना जाएगा। सो ओवरऑल हम लोग मार्केट में पॉजिटिव बायस देख रहे हैं। सेक्टर की अगर बात करें तो बहुत सारे सेक्टर्स में अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है, प्राइसेस भी बहुत ऊपर चले गए हैं कुछ सेक्टर्स में, कुछ स्टॉक्स में, पर एग्रीकल्चर और रूरल थीम में अभी भी अपॉर्चुनिटी अच्छा खासा है। तो हम तो निवेशक को सीड्स कंपनी पे ध्यान देने के लिए कहेंगे, पर्टिकुलरली कावेरी सीड्स अच्छा नतीजा था और जैसे माहौल बन रहा है, जैसे इनका परफॉर्मेंस बढ़ रहा है, नॉन कॉटन सीड में जैसे मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं, एक्सपोर्ट मार्केट की तरफ ध्यान दे रहे हैं, डोमेस्टिक में तो बहुत अच्छा बिजनेस बना ही लिया है और मेज में भी आने वाले दिनों में बिजनेस इंप्रूव होने की उम्मीद है। तो सारा नजर में रखते हुए हम लोगों को लगता है कि जो करंट लेवल है यहां से करीब 20 से 30% तक ऊपर जा सकता है प्राइस। तो निवेशक करंट लेवल पे कावेरी सीड्स पे खरीदारी कर सकते हैं। फर्टिलाइजर स्टॉक्स में भी कुछ अच्छे फर्टिलाइजर स्टॉक्स, कोरोमंडल इंटरनेशनल का जिक्र मैंने पिछले हफ्ते भी किया था, वहां पे करंट लेवल पे खरीदारी की जा सकती है। और ये सारे जो एग्री रिलेटेड स्टॉक्स हैं यहाँ पे फोकस रखना चाहिए। मॉनसून ठीक ठाक है, सरकार का फोकस है, सोइंग ठीक चल रहा है और वैल्यूएशन भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा, तो यहाँ पे जरूर ध्यान रखने के लिए निवेशक को हम सलाह देंगे। ठीक बात है। और आपके बात करते करते अब देखिए सेंसेक्स हो गया 400 पॉइंट नीचे, 11400 की तरफ देखिए अब निफ्टी बढ़ता हुआ। जब इस तरह का माहौल हो तो जब हम शर्मा जी के पास जाते हैं, शर्मा जी थोड़े से शायराना अंदाज में देखिए कमेंट्री करते हैं। शर्मा जी और हमें इंतजार रहता है, बताइए एक बढ़िया सी लाइन बताइए बाजार के लिए, क्या गजब की रैली देखने को मिल रही है जिसका सबको इंतजार था वो इस समय होता हुआ, आपके पंच लाइन क्या होगी आज मार्केट में शुरुआत करने के लिए के लिए, बताइए सर। जिद करो कि दुनिया बदल जाए, जिद हो ऐसी जो गलत को सही कर जाए, जिद हो भूखे को रोटी मिले, जिद हो कि रोते को हंसा जाए। वाह। हौसला दो किसी की टूटी उम्मीदों को, हाथ दो किसी के थकते कदमों को। क्या बात है। जिद करो कि हार जीत में बदल जाए, जिद करो कि कठिन सरल हो जाए। तो बस यही जिद लेके आपकी सेवा में हाजिर है। निफ्टी आज एक तरह से लक्ष्मण रेखा को क्रॉस कर दिया है मेरे हिसाब से, जैसे मैं बात कर रहा हूँ 11375 की लक्ष्मण रेखा है निफ्टी में स्पॉट के हिसाब से, इसके ऊपर निफ्टी में ब्रेकआउट आता है। आई थिंक कंसोलिडेशन खत्म होने को है और आज इसके ऊपर क्लोजिंग रह जाती है तो निफ्टी में सेटअप काफी बढ़िया रहेगा, जहां पर निफ्टी 11500 की ओर बढ़ने की कोशिश करेगा। तबीयत कैसी है शर्मा जी, पहले ये बताइए, ये शेयर तो आपने बहुत बढ़िया सुनाया, बाजार तो देखिए आप जैसा प्रेडिक्ट कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से वैसा ही चल रहा है, ये बताइए आपकी सेहत कैसी है, कुछ आपकी तबीयत थोड़ी कल ढीली थी। जी हाँ बिल्कुल, थोड़ी तबीयत ढीली जरूर थी लेकिन आज के मार्केट को देख के एकदम तंदुरुस्त हो गया हूँ और आई थिंक सभी का मूड भी अच्छा है और आई थिंक आज मार्केट ब्रेकआउट के मूड में एकदम। वेरी नाइस। तो ब्रेकआउट के मूड में मूड माहौल बढ़िया है। सुदीप बंदोपाध्याय साहब एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर बुलिश है, राहुल शर्मा जी का ट्रेड एट 215 थोड़ी देर में आएगा। पालिया साहब स्वागत है, पालिया साहब ने भी देखिए पिछले कुछ दिनों में जब जब इक्का दुक्का दिन थोड़ी बहुत गिरावट भी होती थी तो हौसला बढ़ाने का काम हमेशा से किया पालिया साहब, उसके लिए देश आपको याद रखेगा। बताइए कॉल क्या है मार्केट पर इस समय। बिल्कुल, गुड आफ्टरनून हेमंत जी और गुड आफ्टरनून एवरीवन। बिल्कुल मार्केट में आपने भी ओपनिंग नोट में बताया, जब तक हम 10,840-50 का रेंज नहीं तोड़ेंगे तो बिल्कुल भी डरना नहीं है। कोई भी गिरावट आ रही है मार्केट में वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी और वो दर्शा रहा है, और अगर हम देखें तो पिछले 15-20 दिन का अगर हम डेटा देखें तो उसी तरीके का बिहेवियर मिला है मार्केट में, और मार्केट में इस तरीके के करेक्शन आना भी चाहिए, ये एक हेल्दी साइन होता है। क्योंकि अगर हम देखें 3-4 महीने से एक वन वे रैली थी, थोड़ा सा पॉज जरूर लेना चाहिए, मार्केट को सेक्टोरियल रोटेशन होना चाहिए, कहीं एक ब्रीदिंग स्पेस मिलना चाहिए, तो वो एक मार्केट में बिल्कुल उसी तरीके से अगर हम देखें तो एक जो बुल मार्केट में जिस तरीके से बिहेवियर होना चाहिए एग्जैक्टली वही एक रिप्लिका देखने को मिल रहा है। और 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं तो बिल्कुल मुझे लगता है बहुत जल्द हम 11500 की तरफ बढ़ते हुए दिखेंगे। हो सकता है कि अगले एक या दो सेशन में हम 11500 के बहुत नजदीक या उसको क्रॉस करते हुए भी दिखेंगे, तो मुझे लगता है अगस्त सीरीज में बिल्कुल जो आपने
शुरू से एक मुहिम चलाई थी, मुझे लगता है वो पूरी होती हुई दिखेगी इसी मंथ में। तो 11500 का लेवल बहुत जल्द क्रॉस होते हुए दिखेगा निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में भी जिस तरीके से आज देखे जो बाइंग एक्शन देखने को मिली स्टॉक्स में एक करेक्शन के बाद, तो मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में भी एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया जो कि 21,500 जिसको होल्ड करके बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली वहां से एक सपोर्ट एक्शन दिखा रहा है। मुझे लग रहा है 22,400-22,500 का एक जोन है, वो निकलते से एक बड़ा शार्प अप मूव बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल सकता है आगे आने वाले दिनों में। बट मेरे हिसाब से 22,400-22,500 एक जोन है जो कि थोड़ा सा क्रिटिकल है बैंक निफ्टी के हिसाब से। एक बार वो लेवल निकलता है तो बैंक निफ्टी में 23,000 के टारगेट भी आते हुए दिखना चाहिए। ओके, 22,400 का जिसका जिक्र कर रहे हैं वो एग्जैक्टली अगर आप देखें निफ्टी बैंक का 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। अच्छा राहुल, हम अमूमन जब आपसे ट्रेड एट 215 पूछते हैं तो उससे पहले उसकी थीम पूछते हैं, थोड़ा गेस वर्क करते हैं यहाँ पे, आपको क्या अच्छा लग रहा है, थीम क्या है आपकी और जिसके आधार पर आज आप ट्रेड एट 215 लेंगे, थोड़ा दिखाओ थोड़ा छुपाओ बताइए। जी हाँ, देखिये आज मेरा जो ट्रेड है वो सेक्टर से है जिस सेक्टर ने तकरीबन बहुत 7-8 हफ्ते बाद में एक ब्रेकआउट दिया है। ये ऐसा सेक्टर है जो हम और आप सभी कंज्यूम करते हैं और इसमें आज बहुत वॉल्यूम बेस्ड एक्शन देखा है, तो यहाँ पर मैं रोकना चाहूंगा। आई थिंक इससे ज्यादा बोलूंगा तो मैं स्टॉक ही शायद बता दूंगा। क्या बात है, तो सेक्टर तो आपने कंजम्पशन वाला पकड़ा है और कंजम्पशन सेक्टर बहुत ही गजब का सेक्टर है भी। सुदीप सर, ये सेक्टर ने आउट परफॉर्मेंस दिखाया है, चाहे वो खाने पीने की चीजें हो चाहे वो गाड़ियों का कंजम्पशन हो। इसमें आपके फेवरेट्स क्या हैं ये बताइए। राहुल जी ने देखिए हिंट दे दिए, सेक्टर का समा बांधते हैं जरा, सुदीप सर से भी जानते हैं कंजम्पशन सेक्टर पर वो कितने बुलिश हैं। उसके बाद आशीष के पास भी चलेंगे, उनसे जानेंगे कल कौन से इवेंट्स हैं जिनके ऊपर नजर होनी चाहिए। लेकिन सुदीप सर, ये कंजम्पशन वाला सेक्टर दरअसल बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है। मुझे याद है कई कंपनियों ने अपने नतीजे पेश किए तो लोग नतीजे के ऊपर ज्यादा चिंता ना करके आउटलुक के ऊपर ट्रेड कर रहे थे और कई स्टॉक्स ने जबरदस्त रैली दिखाई नंबर्स के बाद। आपके फेवरेट्स कौन से हैं इन कंजम्पशन में? ये फेवरेट्स तो दिग्गज कंपनीज है और उनका जिक्र तो मैं हमेशा करता हूँ, हिंदुस्तान लीवर यूनिलीवर फेवरेट है। पर अगर निवेशक को खरीदारी करनी है करंट माहौल में और वैल्यूएशन के लिहाज पे हम लोगों को लग रहा है कि इमामी में खरीदारी की जा सकती है। अच्छा खासा प्रोग्रेस दिखाया है और जो आने वाले दिनों में वैल्यूएशन के लिहाज से हम लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे अच्छा एप्रिसिएशन मिल सकता है, वहां पे खरीदारी की जा सकती है। और दूसरा थोड़ा कंज्यूमर ड्यूरेबल के तरफ अगर ध्यान दे, क्योंकि वो भी एक कंजम्पशन थीम ब्रॉड कंजम्पशन थीम के साथ जाता है, वहां पे हम लोग जो कंपनीज के अच्छा रूरल डिस्ट्रीब्यूशन है और जो लोअर प्राइस लोअर टिकट साइज आइटम बेचते हैं जैसे कि बजाज इलेक्ट्रिकल्स का मैं जिक्र करना चाहूंगा, वी गार्ड का मैं जिक्र करना चाहूंगा, इन कंपनीज के शेयर पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि यहाँ पे प्राइस अप्रिसिएशन तो हुआ है पर हम लोगों को लगता है कि अभी भी अच्छा खासा प्राइस अप्रिसिएशन आने वाले दिनों में देखने के लिए मिलेगा। तो कंजम्पशन की स्टोरी अगर आप देखें तो इस पे थीम रहेगी आज राहुल के ट्रेड की। लेकिन राजेश जरा एक बार एक टेक चेक दीजिएगा, आई थिंक जो कि चीज सबसे महत्वपूर्ण है बैंक निफ्टी के लिए इस वक्त वो है आईसीआईसीआई बैंक का डे हाई की ट्रेजेक्टरी में सबसे प्रॉमिसिंग बिहेवियर पिछले 10 दिन का और अप्रोच करता हुआ 100 डे मार्क को। जरा एक बार टेक दीजिए यहां पर इससे पहले कि देर हो जाए, कैसे अप्रोच करेंगे आप आईसीआईसीआई बैंक को? ना बिल्कुल वीरेन जी, काफी अच्छा सेटअप है और आईसीआईसीआई बैंक ही एक ऐसा प्रॉमिसिंग स्टॉक है। अगर हम देखें पिछले 2 महीने में काफी अच्छे मुनाफे इस स्टॉक ने बना के दिए और एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, ये काफी अच्छा एक बिहेवियर जो देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से अभी ये मूव हो रहा है स्टॉक, मुझे लगता है ये 380 की तरफ बढ़ते हुए दिखना चाहिए स्टॉक को। करंट लेवल से बिल्कुल लॉन्ग साइड का ही ट्रेड बनता है स्टॉक में, 364 के स्टॉप लॉस से बाय करें, 380 तक के टारगेट मुझे लगता है आईसीआईसीआई बैंक में देखने को मिलेंगे, जो कि इसका अगर एक चैनल का जो मूवमेंट चल रहा है पिछले अगर 1 से 2 मंथ का अगर हम डेटा देखें तो एक चैनल में मूव हो रहा है स्टॉक, तो अपर बैंड जो है इसका 380 के आसपास है, वहां तक मुझे लगता है कि ये मूव एक्सटेंड होते हुए दिखना चाहिए, 380 के टारगेट के लिए बाय करेंगे। और सुबह भी आज देखिए बाकी सारे बैंकों में थोड़ी नरमी थी लेकिन आईसीआईसीआई बैंक ने क्या गजब का मूव दिखाया, गैप अप खुला और बाकी के प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी देखिए फिर हल्के करके अब फिर तेजी में आए और आईसीआईसीआई बैंक और तेजी में आता हुआ। इसको वीरू आज निफ्टी का नवाब बना दिया जाएगा क्योंकि
आप देखिए निफ्टी में सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन यही दिखा रहा है आईसीआईसीआई बैंक, एक बार कॉन्ट्रीब्यूशन भी दिखा दीजिए। पालिया साहब कह रहे हैं यहाँ पर और अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, 380 का टारगेट भी देखिए उनका है, और फिर ये निफ्टी का नवाब तो देखिए आराम से आज बन सकता है। दिन के हाईस पर जाकर ये शेयर कामकाज कर रहा है, और जिस तरह से इन्होंने बड़ी पूंजी देखिए बहुत आराम से जुटाई, उसके बाद वो पूंजी जुटाने वाला हैंगओवर भी देखिए खत्म होता हुआ, और सबसे अच्छी बात वीरू नजर ये आई थी कि जो इन्होंने प्राइस तय किया था उससे ज्यादा प्रीमियम पर 1.5% प्रीमियम पर इन्होंने पैसा जुटाया। तो देखिए रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक तो ये हैं, और कोटक बैंक, तो ये डेडली कॉम्बिनेशन है, इसीलिए चर्चा यही हो रही है। अब की बार 11,500 के पार, राजेश पालिया जी देखिए कह ही रहे हैं, और ये जो टीम है ये विनिंग टीम है जो आपको देखिए अभी इस तरफ नजर आ रही थी। लेकिन चलिए आईसीआईसीआई बैंक निफ्टी का नवाब बनता है, रिलायंस इंडस्ट्रीज बाजार का बादशाह, 11,500 से कुल 128 अंक ही हम दूर हैं। इस काउंटडाउन रिवर्स काउंटडाउन के ऊपर रखिएगा नजर। राहुल जी बताइए, आप कंजम्पशन सेक्टर का हिंट कर रहे थे, कौन सा स्टॉक आपने चुना है? जी अच्छा, शायद थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मुझे हिंट देने में। एक्चुअली मैंने रियलिटी सेक्टर चुना है, रियलिटी इंडेक्स में आज 8 हफ्तों के बाद बड़ा ब्रेकआउट देखने मिला है, खास करके डीएलएफ में आज तकरीबन 4 महीने के हाई वॉल्यूम्स देखने मिल रहे हैं हमें। आज के जो वॉल्यूम है कल के कंपेरिजन में 3.5 गुना हो चुके हैं, फ्यूचर्स के अंदर तकरीबन 25% ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ है, तो यहाँ पर यह क्लियरली दर्शा रहा है कि स्टॉक के अंदर स्ट्रॉन्ग हैंड्स एंटर हुए हैं, बड़े पोजिशन बनाए गए हैं, और साथ ही में स्टॉक में भी डीएलएफ में भी तकरीबन 8 हफ्तों का ब्रेकआउट देखने मिला है। तो यहां पर मैं मोमेंटम के साथ जाना चाहूंगा, यहां पर मैं रियलिटी में डीएलएफ मेरा टॉपिक है, आई थिंक डीएलएफ बाय करके चल सकते हैं यहां पर। अगर किसी को ऑप्शन लेना है तो 165 का कॉल ऑप्शन तकरीबन 3.5 रुपए के आसपास इसे बाय करके चल सकते हैं, 1.5 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और इसमें 10 रुपए का टारगेट रहेगा। स्टॉक की टारगेट की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है डीएलएफ में 170 और 180 आने वाले 8 से 10 सेशन में देखने मिल सकता है। हाई बीटा स्टॉक है, डेफिनेटली ट्रेडर्स को यहां पर मजा आएगा, और साथ में आज के जो डेटा बिल्टअप है वो काफी कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, तो मेरे हिसाब से डीएलएफ लॉन्ग करके चलना चाहिए, कॉल ऑप्शंस 165 पे बाय करने की राय है। ओके, याद रखिए हाउसिंग और इस वक्त पूरे बाजार की सबसे स्ट्रॉन्ग थीम है, और आज सुबह जब हम बात कर रहे थे, जब हेमंत और मैं पहला सौदा कर रहे थे, मुनाफे की तैयारी कर रहे थे, दो स्टॉक्स पे खुल के चर्चा हुई थी। देखिए कल से ही सेक्टर को हेमंत ने पकड़ा हुआ है, कल इनफैक्ट सुबह भी इस पे बात हुई थी। डीएलएफ और एक गोदरेज प्रॉपर्टीज को आप देखिए, इन्होंने कितना स्ट्रांग मूव दिया, हालांकि ये मूव पूरे मिड कैप में, पूरे स्मॉल कैप में बना हुआ है, लेकिन इन दो स्टॉक्स ने लार्ज कैप में, इन पार्ट ऑफ डेरिवेटिव्स में देखें तो सबसे स्ट्रांग मूव दिया है। 893 हल्का सा इसको छोड़ेंगे नहीं, आई थिंक इसको कैपिटलाइज करते हैं इस पर थोड़ा सा, क्योंकि इस पर भी थोड़ा सा मैं आपको स्टेटमेंट भी सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बार राजेश जरा आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा मैं, थोड़ा सा डेरिवेटिव्स और नॉन डेरिवेटिव्स दोनों स्टॉक्स को, जो जो कैश में भी है, जो कैश के पार्ट है, अगर आप समराइज कर पाए, अभी भी चार्ट के लिए बहुत स्ट्रांग कौन से लग रहे हैं आपको जिनमें लॉन्ग ट्रेड पॉसिबल है अभी? देखिए वीरेन जी, बिल्कुल डीएलएफ का सेटअप तो काफी अच्छा है, राहुल जी ने ऑलरेडी रिकमेंड किया, और मुझे लगता है कि ये स्टॉक में जिस तरीके से एक्शन हमने पिछले दिनों में देखा, और अब स्टॉक ने एक जो लेवल था 145-148 का जोन वो क्रॉस करके अब ये ट्रेड कर रहा है, तो बिल्कुल ये स्टॉक में तो मुझे लगता है कि काफी अच्छा अपसाइड यहां से बनते हुए दिखना चाहिए। मुझे दूसरा स्टॉक मुझे अट्रैक्टिव लग रहा है इसी स्पेस से, गोदरेज प्रॉपर्टी भी काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, ये स्टॉक को भी देखें तो पिछले कुछ दिनों से ये अपने सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज को होल्ड करके उसके ऊपर सस्टेन करके ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है गोदरेज प्रॉपर्टी में भी यहां से एक अच्छा मूव बनते हुए दिखना चाहिए, और ये स्टॉक में मुझे लगता है कि जो टारगेट बनकर आना चाहिए वो 925-930 तक के टारगेट 1-2 ट्रेडिंग सेशन में आते हुए दिखना चाहिए, तो करंट लेवल से गोदरेज प्रॉपर्टी भी बाय करने की सलाह रहेगी। इसमें जो स्टॉप लॉस रखना है करंट लेवल से वो 885 के आसपास रखना चाहिए। डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज, और इसका श्रेय जाता है खुद देखिए 15 अगस्त के भाषण को, दरअसल हमने तो वहीं से उठाया, मोदी जी ने देखिए बयान दिया कि अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर वो खूब फोकस करेंगे, लक्ष्मण रॉय जी को जाता है इसका श्रेय, उन्होंने कहा आपकी सरकार अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत इतने बड़े आवंटन करने वाली है जिसका हिसाब नहीं, रुके हुए प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने वाली है। खबर ये आई वीकेंड पर वीरू कि जो महाराष्ट्र की सरकार है वो रेडी रेकनर इस महीने के अंत तक घटा सकती है, इतना काफी था डीएलएफ में तेजी होने के लिए और शॉर्ट कवरिंग होने के लिए, इतना काफी था गोदरेज प्रॉपर्टीज में जो मुंबई की सबसे बड़ी कंपनी है, तो ये नो ब्रेनर था।
और इसीलिए परसों कल सुबह सुबह 7:30 बजे हमने इसे सेक्टर ऑफ द डे बना दिया और उसके बाद जो इसमें तेजी हो रही है वो सबके सामने। एक बार सुनिए क्या बात हुई थी और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अभी एक और अच्छी खबर आई है, बताता हूं आपको। बाजार थोड़ा सा स्टेबल हुआ नहीं और डीएलएफ निकल गया दिन के हाईस पर। गोदरेज प्रॉपर्टीज में भी सेम है, आप देखिए रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी देखने को मिलेगी और वो इसलिए मिलेगी क्योंकि सरकार ने देखिए बात इसी तरह की करी है कि सरकार फोकस कर रही है अफोर्डेबल हाउसिंग पर। लक्ष्मण रॉय की एक्सक्लूसिव खबर तो यही है, तो वो इंडिकेट कर रहे हैं कि बार बार काउंटर में नीचे के लेवल पे सपोर्ट आ रहे हैं। तो इस वक्त ना वो लगभग 139-140 का सपोर्ट है, ऊपर में 152-155 तक के बाउंस पर बैठा। फेस्टिवल सीजन आ रहा है तो ऑटो के साथ साथ देखिए अब रियल एस्टेट सेक्टर में भी तेजी देखने को मिल रही है। और पोजिशनली टारगेट यहाँ पे 170-175 के भी है। तो आज का जो मैंने बोला कि अगर इन स्टॉक्स में आज अगर पहला सर्किट जो एफएनओ में 10% का होता है वो लग जाता है तो मैं सरप्राइज नहीं होगा। वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया है, अगर मैं सही हूँ तो सुबह में हमने डीएलएफ में जब बाय दिया था दैट टाइम इट वाज एट 152। देखिए जब एक स्टेट रेडी रेकनर घटाता है या फिर स्टैम्प ड्यूटी पर देखिए कॉस्ट को कम करता है तो दूसरा स्टेट भी इसी तरह की बात करता है। डॉक्टर साहब अरविंद स्मार्ट स्पेसेस लाइए, ये चला नहीं है, ये मेरे ख्याल में अभी लाल निशान में है और मनीष देसाई ने करीब 1 बजे हमारे यहाँ ये खबर ब्रेक करी है, इस पर विस्तार से बात भी कर लेते हैं इस समय कि रेडी रेकनर जो है वो 50% फीस देकर अब आपको FSI जो है वो आपको बढ़कर मिल सकती है और ये गुजरात में होगा। तो अब आप गुजरात में देखिए 23 माले तक की जो बिल्डिंग बनती थी वो अब 70 माले तक की बिल्डिंग बन सकती है। तो अब आप देखिए ये स्क्रीन पर आपके भागता हुआ नजर आया, ये बिल्कुल नहीं चला था और ये खबर भी देखिए अब आप देख रहे हैं बहुत सारे रॉयटर्स वगैरह और टर्मिनल्स पर आती हुई नजर आ रही है। तो ये है वो देखिए खबर जिस पर आपकी नजर अब होनी चाहिए। डीएलएफ भाग चुका, शानदार रैली और दिखाएगा। गोदरेज प्रॉपर्टीज में देखिए 2 दिन से तेजी हो रही है और अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा और अरविंद स्मार्ट स्पेसेस देखिए अब ये 20% वाला मेरे ख्याल में कैंडिडेट है, ये भी देखिए आपको चलता हुआ नजर आएगा और ये गुजरात सरकार ने ऐलान कर दिया है। जोड़िएगा मनीष देसाई को डॉक्टर साहब एक बार, उनसे भी विस्तार से समझ लेते हैं इस खबर को पूरी तरह क्योंकि उनकी एक्सक्लूसिव खबर है, मैं तो खाली पढ़कर बता रहा हूं क्योंकि दूसरी जगह भी देखिए अब ये आनी शुरू हो गई और चलनी शुरू हो चुकी है। अरविंद स्मार्ट स्पेसेस कितना भाग सकता है, राजेश पालविया जी चार्ट देखकर बताइए एक बार, अब तक चला नहीं है, मेरे लिहाज से 20% वाला कैंडिडेट है ये। बिल्कुल हेमंत जी, बिल्कुल 20% का इसमें सर्किट लगेगा स्टॉक में, जिस तरीके से ब्रेकआउट अभी हुआ है आपके जिक्र करने के बाद मुझे लग रहा है बिल्कुल एक जो इसमें एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन है वो कंप्लीट होते हुए दिख रहा है। 111 का लेवल है वो, मुझे लगता है 111 के लेवल को क्रॉस करते से स्टॉक में एक ब्रेकआउट नया बनेगा जो कि वीकली चार्ट के हिसाब से मुझे लग रहा है 140 तक के टारगेट भी इसमें आते हुए दिख सकते। तो 111 का ब्रेकआउट काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आज के सेशन में, जिस तरीके से मूव आया मुझे लगता है बिल्कुल 111 का ब्रेकआउट आज के सेशन में क्लोजिंग बेसिस पे होगा और फिर इसमें 140 तक के भी अपसाइड के टारगेट बनते हुए दिखना चाहिए। बहुत ही बढ़िया कंपनी है, कई बार हमारा कल का खिलाड़ी आज ये रह चुका है। और आपको खबर बता दूं जब तक मनीष देसाई हमारे साथ जुड़ते हैं, गुजरात की सरकार ने अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट और गांधीनगर में एफएसआई के नियमों में ढील दी है। तो देखिए इससे बढ़िया खबर हो नहीं सकती, मैं इंतजार कर रहा था कभी ये शो शुरू हो और इसकी बात करें तो इसलिए मैं शुरुआत में नहीं कर रहा था, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया खबर है। तो अब आप देखेंगे ये स्टॉक जो है वो भागता हुआ नजर आएगा, 20% का सर्किट का कैंडिडेट है और हमारे साथ अब मनीष देसाई जुड़ चुके हैं। मनीष स्वागत है आपका, बहुत ही शानदार खबर आपने ब्रेक करी और सबसे पहले ब्रेक करने के लिए बहुत बहुत बधाई आपको। और देखिए अब बहुत सारे स्टॉक्स हैं अहमदाबाद और गुजरात से जुड़े हुए जिनमें एक रैली देखने को मिल रही है, विस्तार से बताइए पूरी एक्सक्लूसिव खबर आपकी। बिल्कुल, देखिए आज गुजरात सरकार ने एक बड़ा अहम फैसला लिया है। गुजरात के जितने भी बड़े शहर हैं अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, राजकोट और गांधीनगर जो कि कैपिटल है गुजरात का, वहां पर जो है हाई राइज बिल्डिंग ये बन पाएगी, जैसे बंबई जैसे शहर में है, दुबई जैसे शहर में, सिंगापुर में, उसी तर्ज पे अहमदाबाद में बन पाएगी क्योंकि जो हाइट मिल रही है इसके हिसाब से देखा जाए तो करीब 70 माले की बिल्डिंग जो है आप बना सकते हैं, 100 से 150 मीटर की हाइट आपको मिल सकती है। हालांकि इसके लिए बिल्डर को ये करना होगा, इसके लिए सरकार ने कुछ रोड आइडेंटिफाई किए
है जहां रोड की विड्थ जो है वो कम से कम 100 फीट के ऊपर की होनी चाहिए, और जो इलाके हैं वो भी आइडेंटिफाई किए हैं, जैसे रिवर फ्रंट का इलाका है, 200 फीट के रिंग रोड का इलाका है, इसके आसपास के इलाकों में इस तरह की बिल्डिंगें बना सकते हैं। इसके लिए जो रेडी रेकनर है, जो जंत्री है, यानी जो सरकारी रेट तय करने वाली एक जमीन की कीमतें तय करने वाली जो सरकारी इंडेक्स है उसका जो प्राइस होगा उसके 50% प्रीमियम देके कोई भी बिल्डर ये एफएसआई खरीद सकता है और इस तरह की हाई राइज बिल्डिंग बना सकता है। तो इसका फायदा स्वाभाविक है कि जब आपको हाई राइज बिल्डिंग मिलना शुरू हो जाएगी तो कीमतों पे भी असर दिखेगा, क्योंकि कीमतें गिर सकती है। हालांकि लोकेशन प्रीमियम होगा तो उस हिसाब से कीमतें थोड़ी बढ़ भी सकती है, लेकिन वो तो बिल्डर या अपनी जो स्कीम होगी वो लोग तय करेंगे। लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि अहमदाबाद या बड़ौदा या सूरत जैसे शहर में अब हाई राइज बिल्डिंग बनना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अर्थक्वेक जोन डिक्लेयर किया गया था, गुजरात अहमदाबाद में अर्थक्वेक आ चुका था और इसके कारण काफी नुकसान उठाना पड़ा था। इसके कारण एक सीलिंग लगी थी कि हाई राइज बिल्डिंग यहां नहीं बन रही थी, लेकिन अब आज गुजरात सरकार ने ऐलान किया है कि इस तरह की हाई राइज बिल्डिंगें बना पाएंगी। तो सबसे पहले सीएनबीसी आवास पर आपने ये खबर देखी, और देखिए ये स्टॉक इस समय 20% का अपर सर्किट इसने लगाया है इंट्राडे में, 112.85 रुपए। देखिए और ये आज इसका नया 52 वीक हाई भी हो गया। तो पालिया साहब सबसे पहले ब्रेकआउट पकड़ लेते हैं, देखिए उन्होंने जैसे ही स्टॉक की बात होनी शुरू करी और कहा ये भागेगा, तो पालिया साहब 20% का अपर सर्किट इसने लगाया और ये भागेगा और अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा, कंपनी से भी हम बात करेंगे आगे, क्योंकि ये गुजरात सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट साफ तौर पर निकल कर आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। बंदोपाध्याय साहब, माहौल बना हुआ है देखिए देश में, महाराष्ट्र की सरकार सोच रही है कि किस तरह से अब बिल्डर्स को एक राहत दी जाए, फ्लैट के खरीदारों को एक राहत दी जाए। रेडी रेकनर, आप भी मुंबई में रहते हैं, खुद हम लोग महसूस करते हैं कि बहुत महंगे और स्टैंप ड्यूटी में एक कमी करने की जरूरत है, और देखिए गुजरात की सरकार ने कर दिया। आपको लग रहा है कि देश में बाकी राज्य सरकारें भी इस तरह के कदम उठाएंगी, और आपके फेवरेट्स फिर क्या होंगे रियल एस्टेट स्पेस में, क्योंकि देखिए यू नेवर नो, ये खबर ओवर द वीकेंड आई थी जब मोदी जी ने ऐलान किया था और 48 घंटे के अंदर अंदर महाराष्ट्र गुजरात की सरकार ने देखिए इस तरह का कदम उठा दिया। 24 घंटे के भीतर भीतर महाराष्ट्र की सरकार ने देखिए ऐलान कर दिया कि इस महीने के अंत तक वो ये सब करने जा रहे हैं। आप अब कौन सी रियल एस्टेट स्पेस के शेयर को चुनेंगे, क्योंकि आज सब भाग रहे हैं? हिमंत, आपका कहना बिल्कुल सही है, रियल एस्टेट सेक्टर के लिए अच्छा खासा रिलीफ मेजर्स आना बहुत जरूरी है। ये सेक्टर ये कोविड पैंडेमिक से पहले से ही सफर कर रहा है और इसमें एक के बाद एक तो डिमोनिटाइजेशन के टाइम से प्रॉब्लम शुरू हुआ था और उसके बाद एक जीएसटी आया, फिर रेरा और भी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का चेंज हुआ, ये सब में ये सेक्टर दबाव में था और जो इकोनॉमिक स्लोडाउन पैंडेमिक से पहले देखने को मिला था उसका भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम इस सेक्टर में देखने को मिला था। तो और देखिए मोदी जी का ये आर्टिकुलेटेड पॉलिसी है हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022, अगर ये अचीव करना है तो इस सेक्टर को बहुत अच्छा ठोस सपोर्ट करना पड़ेगा सरकार की तरफ से, और उसी की तरफ आई थिंक स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कदम उठा रहे हैं आने वाले दिनों में। आप जैसे कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर को कुछ ना कुछ बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। ये जो रिलैक्सेशन गुजरात गवर्नमेंट ने दिया है, ऐसे रिलैक्सेशन भी आ सकते हैं, पर इसके आगे भी जैसे आपने अभी जिक्र किया जो स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्रेशन का, वहां पे कुछ कटौती करनी पड़ेगी और कुछ जो वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग एक साल के लिए एक ब्लैंकेट शायद रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के लिए जरूरी होगा। अगर ये सब किया जाएगा तो आई थिंक रियल एस्टेट में मोमेंटम वापस आएगा, एम्प्लॉयमेंट वापस आएगा, ये बहुत बड़ा एम्प्लॉयर भी है, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये सारे नजर में रखते हुए हम लोगों को लगता है कि अगर निवेश की तरफ से देखें तो जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग रियल एस्टेट कंपनी है, जिनके पास रकम है लगाने के लिए, जिनका बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है, ऐसे कंपनी में भरोसा रखना चाहिए। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज में जरूर निवेशक निवेश कर सकते हैं, डीएलएफ में भी निवेश कर सकते हैं, क्योंकि डीएलएफ में जितने भी सारे प्रॉब्लम्स थे वहां से बहुत क्लीन किया है बैलेंस शीट और आने वाले दिनों में अच्छा प्रदर्शन करने की संभावना है।
अरविंद जो लाइफ स्पेसिस है वो गुजरात स्पेसिफिक जो न्यूज फ्लो है उसके चलते चल रहा है, पर अदरवाइज हम गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबेरॉय रियल्टी या डीएलएफ में निवेश करने की सलाह देंगे, पर नजरिया एक साल का जरूर रखिए। ओके, याद रखिएगा डेरिवेटिव्स में यानी वायदा कारोबार में अगर आप रियल्टी इंडेक्स को देखें और रियल स्टेट स्टॉक्स को देखें, दो ही स्टॉक्स इंक्लूडेड हैं, गोदरेज प्रॉपर्टीज और साथ ही साथ डीएलएफ। हेमंत, आज इस पूरे सेक्टर में सबसे स्ट्रॉन्ग ओआई बिल्डअप है, यानी जो कल मोमेंटम शुरू हुआ था आज 53% ओआई बिल्डअप, लगभग उसमें से 70% डीएलएफ का है और गोदरेज प्रॉपर्टीज का लगभग 30% का है। और जहां तक गोदरेज प्रॉपर्टीज का सवाल है हेमंत, नोएडा के सबसे प्रीमियम प्रोजेक्ट्स सेक्टर 150 में है इस वक्त, एक्सप्रेसवे के ठीक अगर आप देखें बगल में, वो सारे प्रीमियम प्रोजेक्ट्स जो हैं वो गोदरेज प्रॉपर्टीज के हैं, तो बाजार यूं ही नहीं इनफैक्ट एक एडवांटेज दे रहा है इस स्टॉक को। खैर, आगे बढ़ते हैं और ट्रेड एट आई थिंक 2:30 का वक्त हो चुका है, उस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं और राजेश पालविया जी का ट्रेड होगा ट्रेड एट 2:30। राजेश बताइए आपका ट्रेड एट 2:30 क्या होगा? तो वीरेन जी, मेरा ट्रेड एट 2:30 जो होगा वो उस सेक्टर से होगा जिसके बिना गाड़ी चलती नहीं है। तो मेरा जो ट्रेड है 2:30 हो चुका है, तो मैं ट्रेड डिस्क्लोज ही करता हूं। तो बैटरी की कंपनी है एक्साइड इंडस्ट्री, वो बाय करने की सलाह रहेगी। ये स्टॉक में देखें तो जिस तरीके से पिछले दिनों में एक्युमुलेशन हुआ और आज ये प्रीवियस स्विंग हाई को क्रॉस करते हुए दिख रहा है, 169.50 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये प्रीवियस स्विंग हाई को जिस तरीके से इसने ब्रेकआउट दिया है और इसमें जो कंसिस्टेंट बाइंग पिछले दिनों में देखने को मिली, हमें लग रहा है ये स्टॉक अब यहां से 178 की तरफ मूव होते हुए दिखना चाहिए। तो एक्साइड करंट लेवल पर बाय करने की सलाह रहेगी, 165 का स्टॉप लॉस रखे, मुझे लग रहा है 178 इवन 185 तक के भी टारगेट इसमें आते हुए दिखना चाहिए। स्टॉक का सेटअप अगर हम देखें तो हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन का फॉर्मेशन है इसमें, डेली चार्ट के हिसाब से अगर हम इसको एनालाइज करें तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल स्टॉक में पोटेंशियल है और स्टॉक को करंट लेवल पर बाय करते हुए चलना चाहिए। एक्साइड बढ़िया स्टॉक है, आज सुबह से देखिए हम लोग ऑटो एंसिलरी सेक्टर की बात कर रहे हैं और क्या गजब की रैली देखने को मिल भी रही है। देखिए कई ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में और एक्साइड ये वो कंपनी है जिस पर आप बुलिश हैं। 178 का आपका टारगेट है, 165 का एक स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए। डॉक्टर साहब इंट्राडे चार्ट दिखा दीजिए प्लीज एक्साइड का, और ये भी बढ़िया कंपनी है। देखिए ये देखिए, अब धीरे धीरे करके जब अनलॉक होगा आशीष, गाड़ियों की बैटरी बड़ी परेशान करने वाली है, मतलब मैं भुक्तभोगी भी हूँ इसलिए भी बता रहा हूँ। हाँ, तो आप गाड़ी कई दिनों तक नहीं चलाइए तो फिर आपको एक नई बैटरी अगर आपकी, लॉकडाउन के टाइम पे नीचे उतर के जाता था स्पेसिफिकली कार का एक छोटा सा बिल्डिंग के अंदर राउंड मारना और स्टार्ट करके थोड़ी देर रखना, ये करता था। आप स्मार्ट हैं तो ये हो सकता है, कई सारे नहीं है कई सारे लोगों ने देखिए ये झेला है। और मैं दरअसल जब गया बात करने के लिए बैटरी के एक डीलर से, चैनल चेक बता रहा हूँ, तो वो कह रहे थे अभी तो हमारी लॉटरी और लगने वाली है। मैंने कहा क्यों? बोले अभी तो कई सेठ लोग घर से बाहर उतरे ही नहीं है, तो अभी भी लॉकडाउन वाले माहौल में है। तो मैंने कहा वेरी गुड यार, चलिए अच्छी बात है। और ये वो थीम है देखिए जो चल रहा है, बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन दिखा रहा है अमर राजा बैटरीज भी दिन के हाईस पर, एक्साइड भी बढ़िया प्रदर्शन दिखाता हुआ। सुदीप सर, ये बैटरी वाली प्रॉब्लम आपको भी क्या फेस हुई है या आपके किसी दोस्त को फेस हुई हो तो बताइएगा प्लीज। जी हमें बहुत सारे दोस्तों को फेस हुआ है, अफॉर्चुनेटली मैं वीरू जी जैसा मैं भी करता था तो मैंने खुद तो फेस नहीं किए है, पर दोस्तों के लिए बहुत प्रॉब्लम बड़ा है। पर मैं इसमें आपको एक टिप्पणी मैं यहाँ पे देना चाहूंगा कि हाँ, ये जो टेम्पररी जो आप कह रहे हैं ये बैटरी कंपनीज के लिए होगा जरूर, पर एक लॉन्ग टर्म अगर आप व्यू लेना चाहेंगे तो वहां पे भी मेरा पॉजिटिव व्यू बैटरी कंपनीज पे बनता है। देखिए ट्रांजिशन इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ हो रहा है दुनिया भर में, इंडिया में भी होगा, और वहां पे बैटरी कंपनीज का रोल गाड़ी में बहुत बढ़ जाएगा। जो आज अगर मानिए 10% है तो आने वाले दिनों में वो 40% हो जाएगा एक गाड़ी का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में और गाड़ी का मेंटेनेंस कॉस्ट में। तो बैटरी कंपनी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है और हमारे जो दिग्गज बैटरी कंपनी है अमर राजा बैटरी और एक्साइड, दोनों अच्छे कंपनीज है, फंडामेंटली स्ट्रांग वेल मैनेज कंपनी है, यहाँ पे निवेशक जरूर ध्यान दे सकते हैं। बहुत सही आपने कहा, तो देखिए भागता हुआ एक बार दोनों ट्रेड एक साथ रख दीजिए डॉक्टर साहब प्लीज। पहला डीएलएफ बात करते करते दिन के हाईस पर पहुंच गया है, 160.60 रुपए, मुझे लगता है कि इसमें भी फिर कहीं वैसा ना हो जाए, इतनी तेजियों की कहीं एफएमओ के बैन में ना आ जाए, लेकिन अभी समय है, बिल्कुल चिंता मत करिए। क्या गजब की रैली देखने को मिल रही है, 160
रुपए के आसपास देखिए ये स्टॉक कारोबार करता हुआ, एक्साइड भागता हुआ। तो डीएलएफ था ट्रेड एट 215, एक्साइड था ट्रेड एट 230, और देखिए एक्साइड में भी क्या गजब की चार्जिंग इस समय देखने को मिल रही है। और जो अभी अभी बीच में एक स्टॉक हम लोगों ने बताया था अरविंद लाइफ स्पेसेस, वो भी देखिए बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है। इस तरह के बीच बीच में छोटे छोटे आशीष कहते हैं चटनी चूरन वाले स्टॉक भी मैं बताता रहूंगा जो आपको सर्किट वर्किट वाले दिखाएंगे, और भी है एक दो मेरे ध्यान में बताऊंगा आपको। लेकिन आशीष से पहले समझ लेते हैं कौन से वो स्टॉक्स हैं जो कल आपके फोकस में जरूर होनी चाहिए। आशीष कहां कहां रखे नजर कल पर, और कल का आपका जैकपॉट कोई खास थीम आप जिसको प्ले कर रहे हैं? आज का जैकपॉट का प्लेट डायरेक्टर साहब दिखाइए, वो जो आपने रोटो पंप की बात करी सर्किट खुल ही नहीं रहा, मतलब ऐसा चिपक के सर्किट लगा है। वो आपने जो शायद वो जो पिक्चर हम लोगों को भेजी थी ना जो दिल वाला था, आने वाली है, दिखाइए डायरेक्टर साहब प्लीज एक बार, क्या पिक्चर आपने भेजी थी सुबह सुबह, आधा ह्यूमन का हार्ट और आधा इंजन ऐसा लग रहा था इसमें। ये देखिए रोटो पंप, और क्या टैगलाइन आपने बताई थी, द ओनली पंप वी कम्पीट विद। तो रोटो पंप केवल इस पंप से कम्पीट करता है। और एक बार स्टॉक का आप चार्ट भी दिखा दीजिए रोटो पंप का। आशीष के आजकल कहते हैं जुमा पर सरस्वती जी विराजती हैं, आशीष बोलते हैं और सर्किट लगता है। आशीष आइडिया तो बेसिकली अच्छी, मेरे को आज ही बता दीजिए ना कल का जैकपॉट, अभी ढूंढा नहीं हो तो रात में जाके, हाँ रात में टटोलना पड़ता है। वो पहले मुझे याद है आपके वड़ा पाव स्टॉक्स थे सरकारी बैंक्स वाले, ये चटनी चूरन भी नया नाम अच्छा लग रहा है, चटनी चूरन अच्छा है ना, ये छोटे छोटे, लेकिन ये चटनी चूरन देखिए तब थे एक्चुअली जब लॉकडाउन हुआ ही था, और तब से हम कहते हैं अरविंद स्मार्ट स्पेसेस पर रखिएगा नजर। अब देखिए 52 वीक हाई हो गया है, तो ये बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहे हैं सारे के सारे स्टॉक्स। बताइए आपकी नजर कहां कहां पर है? अच्छा देखना होगा आज सुप्रीम कोर्ट ने जो हियरिंग की शुरुआत करी, कल फिर से रिज्यूम होती है कि नहीं होती, खैर अलग बात। कल वेनसडे हफ्ते के मिड पॉइंट पे आके खड़े होंगे हम रिजल्ट्स के लिहाज से। मुथूट फाइनेंस, सीएसबी बैंक, वो कैथोलिक सीरियन बैंक, कॉस्मो फिल्म्स और ग्लोबल स्पिरिट जैसी कंपनीज के नंबर्स आने हैं। एजीएम है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस की कल, पीएनबी हाउसिंग की बोर्ड मीट है, ये लोग फंड रेजिंग करना चाहते हैं और इक्विटी इश्यूएंस की तैयारी हो रही है, इसलिए इस बोर्ड मीट की अहमियत ज्यादा है, रडार पे रखिएगा। अच्छा कल एक लिस्टिंग कह लीजिए, डेब्यू कह लीजिए, माइग्रेशन हो रहा है, तो एसएमई प्लेटफॉर्म से कल एनएससी के मेन बोर्ड पे कंपनी नजर आएगी जिसकी फिर चर्चा होना शुरू होगी, मैक पावर सीएनसी मशीन नाम की कंपनी, तो एनएससी मेन बोर्ड पे लिस्ट होने आ रही है। और इंटरनेशनल मार्केट्स में जो पिछली फेड की बैठक हुई थी एफओएमसी की, उसके मिनट्स, उसका ब्यौरा सामने आएगा, यूके ईयू के इन्फ्लेशन आंकड़े और जापान के एक्सपोर्ट इंपोर्ट, और आजकल ग्लोबली ये सारे आंकड़े बहुत देखे जा रहे हैं पोस्ट लॉकडाउन पीरियड, हालात किस हद तक इंप्रूव हो रहे हैं उसके लिए। ऑलराइट, तो ये तमाम इवेंट्स हैं जिनके ऊपर कल के दिन फोकस सबका रहने वाला है। और मेरी तो नजर आशीष आजकल एक ही चीज पर होती है जब मैं सोने जा रहा होता हूं कि क्या आज S&P 500 नए शिखर को छू लेगा। उसके उसके इर्द गिर्द फ्लर्ट कर रहा है आप देखिए, लेकिन उसको छू नहीं रहा है। अच्छा नर्वस 90s वाला गेम चल रहा है, हाँ बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। तो मैं रोज रात को सोता हूँ तो देखता हूँ कि अच्छा चलिए सब लोग आज बुलिश है वहां पर, और उठता हूँ तो फिर खबर आती है कि ये जो है आज एक दिन का और इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा पैकेज इतना टल रहा है ना, उतना मंदिरी पीछे खींचे हुए, सही बात है। लेकिन सुधीर सर ये पैकेज आएगा अमेरिका में, ये बात तो पक्की है। डाउ फ्यूचर्स में इस समय देख रहा हूं पॉजिटिव टिक पर ही कारोबार कर रहे हैं, इनमें से कौन से इवेंट्स पर आपकी नजर कल होगी, और ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर अपना व्यू भी बताइए इस समय। जी हेमंत, जैसे मैं पहले जिक्र कर रहा था नवंबर 4th यूएस इलेक्शन है, और यूएस इलेक्शन जब नहीं होता सरकार, यूएस गवर्नमेंट का कंपल्शन है कि इकोनॉमी और मार्केट को बॉयंट रखे, और इकोनॉमी में आज के दिन में कुछ दिक्कतें ऑब्वियसली है, कोविड रिलेटेड लॉकडाउन के लिए इकोनॉमी का स्लोडाउन हुआ है, जॉब लॉसेस भी हुए हैं, तो ओवरऑल यूएस गवर्नमेंट के पास बहुत लिमिटेड ऑप्शन है बट टू पंप मोर मनी इनटू द इकोनॉमी, और वही होगा, वही होने वाला है। एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस के थ्रू जाता है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि बिफोर द एंड ऑफ दिस वीक ये सामने आ जाएगा क्या एग्जैक्ट मेजर्स, क्या एग्जैक्ट रिलैक्सेशन यूएस में, और कितना लिक्विडिटी यूएस मार्केट में वापस आएगा। तो पॉजिटिव तो है ही जरूर, हाँ पॉलिसी और पैकेज के डिटेल के ऊपर थोड़ा देखना पड़ेगा मार्केट का मूड कैसा रहता है, पर ओवरऑल डेफिनेटली हम लोग पॉजिटिव है, और जैसे मैं बार बार बोल रहा हूं कि नवंबर तक मार्केट पॉजिटिव जरूर रहेगा लिक्विडिटी के कारण।
अच्छा, अब हेमंत ने यहाँ पे क्योंकि नैस्डैक की बात छेड़ी दी है, तो राहुल जी जरा आप एक बार तमाम आईटी स्टॉक्स को देखिए। ठीक है, आज आईटी स्टॉक्स फ्लेवर ऑफ द डे नहीं है, लेकिन चार्टिंग के लिए आप सारे स्टॉक्स को देखिए डेली चार्ट पे। ऐसा लग रहा है कि एक अच्छे कंसोलिडेशन के मोड में है। लुक एट इंफोसिस, उसके बाद देखिए आप माइंडट्री, उसके बाद देखिए आप इंफोसिस, एनआईटी टेक्नोलॉजीज। सिर्फ एक दिन ऐसा आएगा आई थिंक इस क्लस्टर से जब बाहर निकलेंगे तो आपको एक ऐसा मूव देंगे कि पूछे मत। आई मीन सब्सटेंशियल मूव। आप आई मीन आईटी बास्केट में क्या लेकर आई थिंक बैठना चाहेंगे इस वक्त, जिसमें आपको लग रहा है कि लेटर और सूनर और माइट बी इस सीरीज के क्लोजिंग में एक बहुत अच्छा मूव आएगा, आपका प्रेफर्ड आईटी स्टॉक? जी हाँ बिल्कुल, आईटी इंडेक्स जैसे आपने कहा एक बहुत बड़े अच्छे मूव के बाद कंसोलिडेशन दे रहा है, तो ऐसे पैटर्न्स यूजुअली बहुत हेल्दी होते हैं। और आई थिंक इसमें इंफोसिस मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। इंफोसिस में तकरीबन चार हफ्तों से एक ब्रॉड रेंज में कंसोलिडेशन हो रहा है और स्टॉक एक तरह से वेट कर रहा है ट्रिगर का। आई थिंक जैसे इसमें 970-975 जोन निकलेगी आई थिंक ये अच्छा चलना चाहिए। आई थिंक प्रीएम्प्टिव भी यहाँ पर बाय करके चल सकते हैं, 940 के स्टॉप लॉस है, तो आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे काफी फेवरेबल है। ऊपर में आई थिंक जो टारगेट्स यहाँ पर बन के आ रहे हैं अराउंड 1020-1050 के टारगेट्स है, वो तकरीबन 8-9% की अपसाइड है। तो आई थिंक इंफोसिस यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल दे रहा है और इसका जो सेटअप है एक तरह से बुलिश फ्लैग का है, जिसका ब्रेकआउट आते आई थिंक इसमें अच्छा एक्शन ऊपर में हमें देखने मिल सकता है। चलिए, तो इंफोसिस ये आईटी में सबसे मजबूत कड़ी है, लेकिन आज मेटल्स में तेजी है और क्या गजब की रैली देखिए देखने को मिल रही है। सारे मेटल्स आप उठाकर देखिए भाग रहे हैं। देखिए ग्लोबल बाजारों से अच्छे संकेत है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी दिखाइए, जेएसडब्ल्यू स्टील दिखाइएगा डायरेक्ट साहब प्लीज। देखिए दिन के हाईस पर ये शेयर कारोबार करता हुआ आपको नजर आ रहा है। बाकी भी मेटल देखिए, मेटल इंडेक्स जो चल रहा है देखिए उसको उस पर बात करते हैं। ये देखिए ये दिन के हाईस पर जेएसपीएल देखते हैं डायरेक्ट साहब दिखाइए प्लीज। एक टाटा स्टील में नेगेटिव खबर थी, देखते हैं वो वहां से उभरा है कि नहीं उभरा है। एक बार सारे मेटल स्टॉक्स के ऊपर बात कर लेते हैं। जेएसपीएल भी देखिए अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, ये बहुत अच्छा इसलिए नहीं भाग पा रहा है क्योंकि देखिए इतनी तेज दौड़ लगाता है पहले दिन तो फिर नेक्स्ट डे थोड़ा सा रुक जाता है। आज टाटा स्टील में भी देखिए यही बात हो रही थी कि खराब खबर पे से बेचना तो पक्का नहीं है, इतना मजबूत स्टॉक है ये कि देखिए अब ये भी खराब खुलने के बाद अब दिन के हाईस पर कारोबार करता हुआ। ऑडिटर्स ने सवाल जरूर खड़े किए थे कि यूके का कारोबार देखिए चल पाएगा नहीं चल पाएगा, लेकिन टाटा स्टील में राहुल जी गिरावट ही नहीं होती। आप देखिए कितनी भी खराब खबर आ गई, वीकेंड पर खबर आई कि साहब इनका और यू का बातचीत नहीं हो पा रही है, पैसा नहीं मिलेगा तो भी देखिए ऊपर। आज खबर आई ऑडिटर्स की तो भी ऊपर। हो क्या रहा है टाटा स्टील में और कितना भागेगा, इसमें मंदी करने वाले फंसे होंगे पक्का आज? जी बिल्कुल, मेटल्स में एक तरह से बुल्स को स्वीप कर दिया है अपने कदमों से और आई थिंक टाटा स्टील इसमें से बहुत स्ट्रॉन्ग काउंटर है। इसमें जैसे आपने कहा कि कोई नेगेटिव न्यूज का फर्क नहीं पड़ रहा है और स्टॉक एक तरह से लगातार ऊपर की ओर बढ़े जा रहा है। आई थिंक इसमें अभी भी ऊपर के टारगेट्स बाकी है, अगर मैं चार्ट पे देखता हूं तो अराउंड 480-500 के लक्ष्य इसमें पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए दिखते हैं मुझे। तो आई थिंक आज निफ्टी में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आ रहा है, कंफर्मेशन के लिए थोड़ा क्लोजिंग तक वेट कर लेंगे और निफ्टी मेटल इंडेक्स जो है उसमें अभी भी आई थिंक ऊपर में जगह बाकी है। तो किसी को फ्रेश भी अगर बाय करना है तो आई थिंक 415 के स्टॉप लॉस से टाटा स्टील में फ्रेश पोजीशंस लिए जा सकते हैं और पूरा सेक्टर जो एक तरह से काफी स्ट्रॉन्ग जोन में है तो इसे एक तरह से राइड कीजिए, स्टॉप लॉसेस मूव कर करके ट्रेलिंग कर करके राइड कीजिए और पूरा फायदा उठाइए इस तेजी का। इस बीच दो स्टॉक्स लेके आई डायरेक्टर साहब, इस पे फोकस करना चाहूंगा मैं। आज लगभग 945 पे हमने एक ट्रेड लिया था अल्ट्राटेक सीमेंट और वो करीब करीब आप देखिए तो फ्यूचर्स पकड़े थे हमने करीब करीब 4074 के जोन में और अब अल्ट्राटेक सीमेंट 4186 पर। एक तो राहुल इस पे अपना कमेंट दीजिएगा, प्रॉफिट बुक कर लें या कैश में कन्वर्ट कर लें। फिर मुझे एक चीज याद आ रही है, एक स्टॉक जो कि बहुत एग्जॉस्टेड सा फील कर रहा है वो है सेंचुरी टेक्सटाइल्स। आई थिंक दो रोज तीन रोज पहले राजेश ने इस पे कॉल दी थी लेकिन उस वक्त ये डेरिवेटिव्स के बैंड में था। आज ये अपने उस क्लस्टर से बाहर निकल के आया है। राहुल आप सेंचुरी को कैसे अप्रोच करेंगे, क्या कोई बड़े मूव के लिए तैयार हो रहा है और ऐसे में किसी ऑप्शन को कैरी करना चाहेंगे आप? राहुल प्लीज कमेंट करिए इस पे दोनों स्टॉक्स पे।
जी आई थिंक अल्ट्राटेक में अच्छा मूव मिला, इंट्राडे में प्रॉफिट बुक करना चाहिए और साथ ही में आई थिंक मार्केट जो कि एक तरह से ब्रेकआउट मोड में, तो अपॉर्चुनिटीज काफी अवेलेबल है। सेंचुरी में मुझे ठीक तरह से याद है ये स्टॉक ने ब्रेकआउट अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी, उसके बाद तुरंत बैंड में चला गया था, उसके बाद एक तरह से साइडवेज कंसोलिडेशन आ गया स्टॉक के अंदर। आई थिंक अभी स्टॉक वापस सेट है ऊपर जाने के लिए, इसमें तकरीबन 350 रुपए तक के टारगेट आते हैं, तो आई थिंक इसमें ऑप्शन लेके चल सकते हैं। मैं ऑप्शन आपको भाव बताता हूँ एक सेकेंड। इसमें आई थिंक क्लोज टू एट द मनी का ऑप्शन लेके चल सकते हैं, अराउंड 330 के कॉल ऑप्शंस आई थिंक इसमें अच्छी तेजी देखने मिलेगी और एक तरह से स्टॉप लॉस जो रहेगा वो आज के लो का रहेगा 307 के स्पॉट के हिसाब से। ऑलराइट, तो सेंचुरी टेक्सटाइल के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। हमारे साथ हमारे तीसरे मेहमान श्रीकांत, टेक्निकल एक्सपर्ट श्रीकांत चौहान भी इस समय जुड़ चुके हैं। श्रीकांत स्वागत है आपका, ट्रेड एट 245, इससे पहले आप बताएं मार्केट पर व्यू दीजिए प्लीज। बिल्कुल, इनफैक्ट हेमंत जी मार्केट ने 370-380 के लेवल को भी अटेम्प्ट कर लिया है और पिछले शुक्रवार को जब अपनी बात हो रही थी तो मैं यही बोल रहा था कि मार्केट गिर सकता है करके, बट आपने काफी कॉन्फिडेंटली बोला था कि नहीं ये थोड़ा सा करेक्शन होगा, मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है, बट इसका फाइनल ट्रेंड अपवर्ड ही है। तो उस केस में अगर आप देखा जाए तो आपका कॉन्फिडेंस काफी स्ट्रांग था उस वक्त, और थैंक यू सर, मैं आपको विशेष दूंगा। यस बिल्कुल, क्योंकि उस वक्त मेरा काफी क्लियर कॉल था कि ये मार्केट आने वाले दिनों में गिर सकता है। सर इसमें कोई बात नहीं है सर, आपने इतने बढ़िया बढ़िया ट्रेड हमें बताए हैं, मैं तो याद ही करता कर रहा था 2-3 दिन से ब्रिटानिया वाले कॉल को, आज सुबह भी देखिए आपसे बात हो रही थी तो यही मैं जिक्र कर रहा था, तो ठीक है सर। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा है, मार्केट दरअसल गिर नहीं रहा है, सब लोग इंतजार कर रहे हैं गिरने का, और अब आप देखिए जो लोगों ने लिया नहीं ना वो लेफ्ट आउट फील करेंगे, अब वो 11,500 के ऊपर लेने आएंगे। जैसे पहले लोग कहते 10,000 के ऊपर नहीं निकलेगा, फिर कहते 11,000 के ऊपर नहीं निकलेगा, फिर कहते 11,250 के ऊपर तो जाना ही नहीं चाहिए। अब हकीकत यह है कि 11,400 देखिए अब आ गया है, तो नई नई करके हम बढ़ते ही चले गए, लेकिन आपके कॉल्स ने बहुत पैसा बनाकर दिया है, मैं पिछले कई दिनों से नोट कर रहा हूं। बताइए ट्रेड एट 245 इस समय कौन सा चुनेंगे आप? बिल्कुल, इनफैक्ट जो शैल जी है अपने वो हमेशा एक बात बोलते हैं कि सेक्टर चहक रहा है करके। हाँ, तो जो मेटल सेक्टर है उसका चहकना क्या होता है वो मुझे समझ में आ रहा है, और हर एक स्टॉक उसमें से परफॉर्म कर रहा है, तो ये पूरा सेक्टर चहक रहा है, और उसमें मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा चहकने वाला अगर कोई स्टॉक होगा तो वो स्टील अथॉरिटी हो सकता है, जो 40 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा है। इसके फॉर्मेशन को अगर आप देखते हो तो काफी बढ़िया सा फॉर्मेशन इसने बना के रखा है, और पिछले कई दिनों से इसने अंडर परफॉर्म किया है बाकी स्टॉक्स के सामने, लेकिन आज अगर आप इसके फॉर्मेशन को देखते हो तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये स्टॉक 40 के जो हेवी कॉल राइटिंग को एब्जॉर्ब कर चुका है, और आने वाले एक या दो दिनों में हमें 43 या 44 के लेवल्स को मिनिमम दिखा सकता है। तो वेरी शॉर्ट टर्म टारगेट 43 के है और करंट लेवल से इसे बाय किया जा सकता है। 3850 का हमें स्टॉप लॉस रखना है, और अगर यहां से अगर थोड़ा अगर मीडियम टर्म का अगर व्यू हो तो मुझे लगता है शायद ये स्टॉक 50 के करीब भी जा सकता है। ओके, तो सेल है ट्रेड एट 245, याद रखिए 4035 पे इस वक्त स्पॉट ट्रेड करता हुआ डे हाई पर, और अगर आप इसके कॉम्बिनेशंस को देखें डेरिवेटिव्स के साथ ही वायदा बाजार में इसमें क्या हो रहा है, तो वायदा बाजार में इसमें आज ओआई घट रहा है, यानी जो मंदड़िए हैं जिन्होंने करीब करीब 38-39-40 के जोन में आके सेल फ्यूचर बेचा हुआ था वो सेल फ्यूचर शॉर्ट को कवर कर रहे हैं, वो शॉर्ट कवरिंग अगर आप देखिए इसमें अच्छी आ रही है। अभी कुछ देर पहले हेमंत ने डिस्कशन किया ही था इस पूरे स्पेस पे, चाहे वो सेल हो, चाहे वो टाटा स्टील हो, चाहे वो जेएसडब्ल्यू स्टील हो, चाहे वो जिंदल स्टील हो, सभी के सभी डे हाई की डायरेक्टरी में। राहुल, अब क्योंकि इस स्पेस की बात हुई है तो कोई ऑप्शन ट्रेड कैरी करना चाहेंगे आप इस स्पेस में? आज स्ट्रॉन्ग वायरिएशन हुआ है, और दूसरी चीज है शॉर्ट कवरिंग, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है ऑप्शन भी प्ले करने के लिए या फ्यूचर, आप क्या पिक करेंगे इस स्पेस में मेटल्स में से? आई थिंक मेरा टॉपिक टाटा स्टील रहेगा। टाटा स्टील में अगर ऑप्शंस का सेटअप देखें तो आज के सेशन में 430 से लेकर 450 तक के सारे कॉल ऑप्शंस में अनवाइंडिंग देखने मिली है, तो एक तरह से जो शॉर्ट्स थे वो अपने पोजीशंस काट रहे हैं, और साथ ही में जो 450 का कॉल ऑप्शन है मुझे काफी अट्रैक्टिव लगता है। आई थिंक 6.50 रुपए के आसपास इसे बाय करके चल सकते हैं, तकरीबन 4 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, और मुझे लगता है टाटा स्टील का टारगेट 450 का है, तो वो केस में ये ऑप्शन यहाँ से इजिली डबल हो सकता है
है, तकरीबन 11 से 12 रुपए ऊपर में देखने मिल सकते हैं। तो आई थिंक 450 का कॉल ऑप्शन यहाँ पे बेहतरीन रिस्क रिवॉर्ड देता है। साथ में जैसे श्रीकांत जी ने कहा पूरा मेटल सेक्टर चहक रहा है, तो आई थिंक ब्रॉड बेस्ड पार्टिसिपेशन मिलेगा जहां पर आपके सारे मेटल स्टॉक अच्छे परफॉर्म करने चाहिए। शानदार तेजी होती हुई मेटल्स में, और देखिए ग्लोबल मार्केट्स में इतनी बढ़िया रैली हो तो फिर मेटल स्टॉक्स क्यों ना भागे। और जैसा पिछले कई दिनों से हम कह रहे हैं बाहर से मेटल सब हमारे यहाँ डंप नहीं हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, उसके ऊपर ड्यूटीज लगाई जा रही हैं, सेफगार्ड्स लगाए जा रहे हैं, और घरेलू बाजार में डिमांड बढ़ने के चलते देखिए मेटल कंपनियों ने दरअसल दाम बढ़ा दिए हैं। तो डिमांड अच्छी हो रही है, लॉकडाउन से देखिए हम अनलॉक के फेज में, ध्यान रखिएगा, और अनलॉक में देखिए पेंट अप डिमांड भी देखने को मिलती है, खाने पीने की चीजों में तो बनी रही है देखिए वो, और मेटल्स में भी बन रही है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वापस से चलती हुई। और कल भी हमें वीरू याद है बर्जर पेंट के मैनेजमेंट कह रहे थे कि कोई दिक्कत नहीं है, इक्का दुक्का शहर छोड़ दीजिए तो अब तो लेबर की दिक्कत भी नहीं है। तो वापस से देखिए कई प्रोजेक्ट्स जो रुके हुए थे वो वापस से तेजी से अपनी पटरी पर आ चुके हैं। चलिए कैबिनेट की बैठक भी होने वाली है कल, तो कल सुबह आप जरूर जुड़िएगा सीएनबीसी आवाज के साथ, जैसे ही इसका एजेंडा सामने आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। कैबिनेट और सीसीए दोनों है, ये बढ़िया बात है। तो ये 15 अगस्त के बाद की बैठक है, ध्यान रखिए, और पिछले 2-3 हफ्तों से बैठकें हुई नहीं है, तो ये काम की बैठक होने वाली है, ये बात आपके जहन में जरूर होनी चाहिए। अब मंदी करने वाले देखिए और बैकफुट पर आएंगे, 11400 मुझे लगता है आज हम हासिल कर लेंगे, क्योंकि ये बैठक का अभी हमें एजेंडा तो नहीं मालूम, लेकिन एक बात पक्की है और ये अटकलबाजी नहीं होगा कि सरकार रिफॉर्म्स पर काम कर रही है। सुदीप सर, हम देख रहे हैं इस लॉकडाउन में इतने रिफॉर्म्स सरकार ने अनाउंस किए और उसके ऊपर देखिए वो तेजी से काम होता हुआ नजर आया, चाहे वो डिफेंस के हों, चाहे वो रेल के हों। आप बात करिए देखिए इवन एग्रीकल्चर सेक्टर जिसकी जिक्र आप शुरुआत में कर रहे थे, इतने सारे रिफॉर्म्स, ये रिकॉर्ड है सीरियसली, इतने सारे रिफॉर्म्स लॉकडाउन से अनलॉक के फेज में आते हुए सरकार ने, और अब देखिए कैबिनेट की बैठक सीसीए की बैठक है तो इसके ऊपर तो फोकस होगा ही। आप भी इस बैठक को क्लोजली ट्रैक करेंगे सुदीप सर? जी हम बिल्कुल करेंगे। देखिए पिछले करीब 3-4 हफ्ते से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सरकार के तरफ से कुछ ठोस फिस्कल स्टिमुलस आने वाला है, अब वो कैसे क्या शेप में क्या फॉर्म में आएगा वो बताना मुश्किल है, पर एक्सपेक्टेशन जरूर बिल्ड हो रहा है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने भी कहा था कि लॉकडाउन के फेजेस जैसे जैसे कंप्लीट होते जाएंगे सरकार की तरफ से कुछ फिस्कल स्टिमुलस आने वाला है, तो उम्मीद और इंतजार तो उसका जरूर रहेगा। और देखिए एक लेवल पे ये जरूरी भी है, फिस्कल और मॉनिटरी दो टाइप के मेजर्स लिए जा रहे हैं। आरबीआई की तरफ से जितने मेजर्स लेने थे मॉनिटरी ईजिंग वो कुछ हद तक किया गया है, सरकार की तरफ से फिस्कल स्टिमुलस कुछ अगर इस माहौल में आ जाए तो इकोनॉमी का रिकवरी फेज में बहुत काम आएगा और एक मोमेंटम पकड़ सकता है रिकवरी। तो जरूर बहुत कॉशियसली और केयरफुली हम लोग स्क्रूटिनाइज करेंगे सरकार के स्टेप्स और क्या डिसीजन लिए जा रहे हैं उस पर जरूर ध्यान रहेगा। ठीक बात है, तो देखिए इसके ऊपर फोकस होगा, और अब 11400 अब कुल हम 11500 की उल्टी गिनती दिखाई, डॉक्टर साहब कितना दूर है 500 से, इसको देखकर थोड़ा सुकून मिलता है। तो सीरीज की शुरुआत में इसको हमने कहा था आजादी की सीरीज, तो मंदी से आजादी देखिए मिलेगी, और आजादी की सीरीज वैसे भी थी, 15 अगस्त हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, कोविड की दवा की तलाश देखिए सबको, और ये सारी बातें देखिए हमने सीरीज की शुरुआत से रखी थी और कहा था कि यहां पर अच्छी रैली देखी जाएगी। अब आप देखिए 11400 आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल आता हुआ नजर आएगा, और कल इस कैबिनेट की बैठक में अगर कोई अच्छी बात निकल कर आती है तो और अच्छी रैली देखने को मिलेगी। तो सुबह की स्ट्रेटजी यही थी कि 11200 के ऊपर हम निकलेंगे, 22000 के ऊपर देखिए बैंक निफ्टी निकलेगा तो बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, और अब आप देखिए बैंक निफ्टी जो है वो 22150 के करीब है, और 11300 के पार निकलेंगे तो सीधे 11400 की तरफ देखिए बढ़ेंगे, और 11400 से कुल 10 पॉइंट दूर है, और अब यहां पर किसी को संदेह नहीं होगा शायद कि 11350 के ऊपर हम समाप्त करेंगे नहीं करेंगे। तो देखिए अब 11450 तक की जगह है, ध्यान रखिएगा 400 पर नहीं रुकेंगे, फिर यहां पर और आगे बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे। तो बुल्स ने अपना जो है वो कब्जा देखिए पूरी तरह से और मजबूत कर लिया है। सीधे चलते हैं डीलिंग रूम चेक जानने के लिए यतिन के पास, और जानते हैं कि डीलिंग रूम्स में इस समय क्या चर्चा हो रही है। यतिन, अब की बार 11500 के पार इस तरह की बातें हो रही है डीलिंग रूम्स में? बिल्कुल, और हिमन देखिए जब मैं ऑफिस में था तभी आप बोल रहे थे कि ये जो मार्केट है पूरे जो है बुल ग्रिप में है, मंदी तो बुनी नहीं है, चर्चा तो हुई रही थी सीएनबीसी आवाज में कि
करनी ही करनी है। आप एक काम करिए, छोटी सी मेरी विनती है, अपना जरा माइक को वापस से रिपैच करिए, आपकी आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है, और जैसे ही रिपैच हो थम्स अप करिएगा तो वो हमें सिग्नल मिलेगा, मैं आपके पास वापस आता हूँ। और देखिए तब तक 11400 का स्तर मिलकर देखते हैं सब लोग, और देखिए 11400 हासिल हो रहा है अब धीरे धीरे करके, 500 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स, 500 पॉइंट ऊपर करीब करीब बैंक निफ्टी कारोबार करता हुआ, और 1.25% ऊपर देखिए मिड कैप इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। भाई यतिन आप तैयार हैं तो आता हूं आपके पास, डायरेक्टर साहब मुझे हिंट करिएगा क्योंकि यतिन के ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत हमें आ रही थी। यतिन बताइए कहां नजर है आपकी, आई एम श्योर आपका ऑडियो ठीक हो गया होगा अब तक। ठीक है हाँ यतिन प्लीज कंप्लीट करिए अपना स्टेटमेंट, बताइए ऑडियो आपका चेक हो चुका है, बिल्कुल ठीक आवाज आ रही है, बताइए। तो दो स्टॉक्स हेमंत जो आज के सत्र में डीलिंग रूम्स के फोकस पे है, इंडसइंड बैंक और बीपीसीएल। ओके। और हमने ये देखा है कि जिस हिसाब से मार्केट का सेटअप है, अगर आप बोलते हैं 11500 का निफ्टी का लक्ष्य है तो बैंकिंग स्टॉक्स में जरूर तेजी देखने को मिलेगी, तो इंडसइंड बैंक में खरीदारी करके चलें। यहां डीलिंग रूम्स जो है बीटीएससी स्ट्रेटेजी सुझा रहे हैं, तो इंडसइंड बैंक में काफी जबरदस्त बाइंग दिख रही है, बैंकिंग स्टॉक्स में काफी बाइंग दिख रही है। इसके अलावा बीपीसीएल आज के सत्र में कमजोर है, 1.5 से 2% की यहां मंदी दिख रही है। डीलिंग रूम्स का कहना यह है कि जो एम्प्लॉय बेनिफिट ट्रस्ट है बीपीसीएल का, जो कि लगभग 20 करोड़ शेयर है और 10% कंपनी की इक्विटी है, वो जो है ओएफएस के जरिए सरकार बेचने का निर्णय बहुत जल्दी ले सकती है। ये डीलिंग रूम्स की बस है, इस पर अभी कोई औपचारिक कमेंट जो है या ऑफिशियल जो कमेंट है कंपनी से या तो सरकार से आया नहीं है, लेकिन विनिवेश के पहले ये इंपॉर्टेंट स्टेप है कि जो ट्रेजरी के शेयर्स हैं वो मार्केट में बेचे जाए और उससे जो 7-8 हजार करोड़ रुपए की लागत आती है उसका डिविडेंड दे दिया जाए। तो ये जो डाइवेस्टमेंट की डायरेक्शन में हमको ये कहा जा रहा है कि शायद ये जो ट्रेजरी शेयर्स हैं कंपनी के पास उसका जो है ऑफर फॉर सेल आ सकता है, और यहां से भी 2 से 3% की डाउनसाइड हमको देखने को मिल सकती है ट्रेडिंग साइड से। तो बीपीसीएल में नजरें रखे आज के सत्र में, काफी सारी शॉर्ट पोजीशंस ये न्यूज के एंटिसिपेशन में बनती हुई दिखाई दे रही है। ओके तो बीपीसीएल में अगर आप देखें काफी शॉर्ट पोजीशंस बनी है, और इंडसइंड बैंक दो स्टॉक्स का जिक्र किया यहाँ पे यतिन ने, याद रखिए बीपीसीएल रिट्रेसमेंट के बाद यानी गिरावट के बाद जो शुरू हुई थी इसमें, आप ये समझ लीजिए कि जुलाई एंड में वो अब आज इसको इसके एग्जैक्टली 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे ले आई है, तो एक बड़े एवरेज पे आके ये बैठ गया है और शॉर्टिंग काफी हो रही है। मीनवाइल निफ्टी बैंक को देखिए 22252, एलएनटी डे हाई पर, एचडीएफसी बैंक डे हाई पर, एसबीआई डे हाई पर, टाटा स्टील डे हाई पर, मेटल्स बैंक सब के सब अगर आप देखें इस वक्त जोरदार मूव देते हुए, और सेल जो एक ट्रेड दिया था कुछ देर पहले श्रीकांत ने, सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, वो करीब करीब 40-55 पे स्पॉट डे हाई पर आके ट्रेड कर रहा है। यतिन से एक बार समझ लेते हैं कि मिड कैप पे वो कहां कहां नजर रख रहे हैं और जहां पे डीलर्स बुलिश हैं या फिर कुछ नेगेटिव व्यू लेके बैठे हुए हैं। यतिन बताइए मिड कैप में क्या खास कुछ? वीरेंद्र मिड कैप में देखिए जो कैपिटल गुड कंपनीज हैं छोटी छोटी, खास करके जो पावर साइड पे हैं या कंज्यूमर साइड पे हैं, वहां हमको बहुत जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। आज का जो डीलिंग रूम पिक है जो वो बता रहे हैं, और यस्टरडे के सत्र में फिलिप कार्बन में हमने देखा कि बहुत अच्छी तेजी आज के सत्र में बनी रही, तो आज का जो रिकमेंडेशन है वो केईआई इंडस्ट्रीज कंपनी जो है केबल के कारोबार में है, काफी सारे कैपिटल गुड्स बनाती है, और डीलिंग रूम्स को लगता है कि यहाँ 10 से 15% का शॉर्ट टर्म अपसाइड हमको देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट काफी सारे एचएनआई जो है स्मॉल कैप और मिड कैप कैपिटल गुड कंपनीज में निवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं आज के सत्र में। और अगर आप केईआई की बात करें तो यस्टरडे भी स्टॉक बजिंग था अच्छे वॉल्यूम्स में, आज भी स्टॉक में काफी तेजी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट आज के वॉल्यूम जो है एवरेज से 2 गुना ज्यादा है, तो अच्छे वॉल्यूम्स के साथ केईआई में खरीदारी हो रही है, और डीलिंग रूम्स को लगता है कि यहां से भी 10 से 15% पैसा कमाने के अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, तो देखिए केईआई करीब करीब 3% ऊपर इस समय ट्रेड करता हुआ, और आपने कहा बीपीसीएल, एक बार बीपीसीएल भी दिखाई है और इंडसइंड बैंक भी दिखाई है, और मुझे जो सबसे बढ़िया बात नजर आई वो ये है कि देखिए बैंक्स के बगैर तेजी कैसे हो जाएगी, और सबसे अच्छी बात दिखी है कि इंडसइंड बैंक देखिए ये अब तक चला नहीं है, और इसके ऊपर हमेशा एजीआर वाला जो टेलीकॉम का मामला सुनवाई हो रही है, देखिए उसके चलते ये स्टॉक में साइडवेज हमेशा मूवमेंट रहा है, हमेशा सब लोग इंतजार करते रहते हैं कि क्या उसका आउटकम निकल कर आएगा, लेकिन मार्केट का मूड ऐसा है इस समय बैंक निफ्टी का 500 पॉइंट ऊपर, तो देखिए इंडसइंड बैंक का इसके ऊपर नजर रखिएगा, ये बढ़िया आपने बताया है। एक बार श्रीकांत जी से जानते हैं, श्रीकांत इंडसइंड बैंक आपका व्यू क्या है, कितना भाग सकता है ये?
हेमंत जी, वैसे इसमें भी काफी अच्छा हायर बॉटम फॉर्मेशन बना है और ये स्टॉक स्पेशली ये जो न्यूज है एजीआर के, उसके पीछे हमेशा एक कंफ्यूज्ड या एक साइडवेज एक्टिविटी में रहता है। तो आज के दिन में मुझे लगता है कि इसने 520 के ऊपर का जो बंद देने की एक कोशिश जो कर रहा है वो क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये स्टॉक शायद वापस एक बार 560-570 के लेवल्स को छू सकता है। तो काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ ये रिवर्स हो चुका है और डेफिनेटली करंट लेवल से अगर कोई भी पोजिशन हो तो उसे लॉन्ग रखे, क्योंकि ओवरऑल बैंक निफ्टी में काफी स्ट्रेंथ है, काफी सारे बैंक स्टॉक्स में स्ट्रेंथ है। तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि शायद आज का जो एक आउटकम आने वाला है एजीआर के इशू के ऊपर, वो लगता है कि शायद पॉजिटिव आ सकता है बैंक्स के लिए। बहुत सही कह रहे हैं आप, तो नजर रखिएगा इसके ऊपर। भसीन साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और भसीन साहब के दो ट्रेड्स मुझे याद आते हैं जो उन्होंने इस पूरे अगस्त सीरीज में दिए और गजब के दिए हैं। एक तो डीएलएफ और दूसरा अशोक लेलैंड, और भसीन साहब कहते रहे कि ये दो स्टॉक्स हैं जो आपको मालामाल करेंगे अगस्त के सीरीज में। इससे पहले मैं भसीन साहब के पास जाऊं, इसका एक एक महीने का चार्ट दिखा दीजिए। डीएलएफ मुझे याद है राहुल शर्मा जी भी देखिए थोड़ी देर पहले उनका ट्रेड है 2 था और भाग रहा है। अशोक लेलैंड देख लीजिए इसने किस तरह का प्रदर्शन इस अगस्त की सीरीज में दिखाया। हैट्स ऑफ टू यू भसीन साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। ये दो शानदार कॉल्स मैं ट्विटर पर भी देखता हूं, लोग सब आपको धन्यवाद करते रहते हैं इन दो बढ़िया कॉल्स के लिए। बताइए आज के लिए आपके कॉल्स क्या हैं और एक बार रिविजिट भी करिए जो आपने कल ट्रेड्स दिए थे प्लीज। हाँ हेमंत जी, थैंक यू, और ये बहुत अच्छा रहा इनका रिटर्न। और जैसे आपको कहा, ये मेरी रेवल्यूशन है कि ये दोनों कॉन्ट्रेरियन प्लेस थे। अशोक लीलैंड 45 रुपए पे कोई नहीं पूछ रहा था और डीएलएफ 135-40 पे मैं रेगुलरली आपके यहाँ बोलता था। और उसके अलावा जितने पीएसयूज हैं, कोल इंडिया, एनटीपीसी, एनएमडीसी, वो सारे देखिए कहाँ है। कल का मेरा ट्रेड था बाय टीसीएस सेल सन फार्मा, अभी भी वो पॉजिटिव है, सन फार्मा इज इन द रेड और टीसीएस चाहे 15-25 रुपए बड़ा है कल के भाव से, लेकिन आई एम वेरी वेरी श्योर टीसीएस इज गोइंग टू आउट परफॉर्म। अब आप कहें तो दो कॉल है सर, दोनों बाय की हैं, लेकिन ये भी कन्विक्शन प्लेज है सर। बिल्कुल सर, प्लीज बताइए। अच्छा, आपकी दाद देना चाहता हूं, जो शॉर्ट किया वो भी देखिए लाल निशान में 500 पॉइंट ऊपर वाले बाजार में। भसीन साहब बताइए आज के दो कन्विक्शन आइडियाज। सर तो पहला पिक है एलएनटी फाइनेंस, आई थिंक इट्स अ नो ब्रेनर। 66 हाफ में लीजिए, 63.50 का स्टॉप लॉस, इसका 75 का टारगेट है। नाउ एलएनटी फाइनेंस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट गेनर ऑफ द रिटेल साइड लेंडिंग, जो वो काफी अग्रेसिवली फॉलो कर रहा है। और दूसरा मेरा बाय वाई का अगेन अ कन्विक्शन आइडिया, जहां मैं 10% का रिटर्न देख रहा हूं, लेकिन आपके यहाँ ट्रेडिंग पिक है 289 पे बंधन बैंक, 284.50 का स्टॉप लॉस रखिए, 315 का टारगेट। अगर आप इसको रखेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर तक 350 का टारगेट भी हो सकता है। देयर वाज नो इक्विटी डाइल्यूशन, इट वाज जस्ट द स्टेक से यू नो पार्ट ऑफ हिज एक्सेस होल्डिंग व्हिच ही हैज सोल्ड, जो बहुत अच्छी तरह से अब्सॉर्ब हो गई। सो आई एम वेरी श्योर ऑफ बोथ दी स्टॉक्स। और वो ओवरहैंग भी खत्म हो गया, ये बढ़िया बात है। और अच्छी बात यह है कि उसके बाद देखिए चला नहीं और अब यहां पर मूव आता हुआ, तो बंधन बैंक का बंधनों को तोड़ता हुआ भागता हुआ दिन के हाईस पर, एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग भी दिन के हाईस पर वीरू कारोबार करता हुआ इस समय नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया भसीन साहब इन दो भरोसेमंद शेयरों को बताने के लिए। इनफैक्ट वीरू एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग तो क्या गजब का मूव दिखा रहा है। जी एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग स्क्रीन पे लिखे आइए फ्यूचर 67.60, और याद रखिए ये एग्जैक्टली अगर आप देखें अब इस वक्त अपने जी हाँ जुलाई और नहीं नहीं सेकंड वीक ऑफ जुलाई से लेकर अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग मूव है 67.65 डे हाई की ट्रैजेक्टरी में। और बंधन बैंक जो कि आज सुबह अगर आप देखें सुबह से स्टॉक्स टू वॉच की लिस्ट में भी शामिल था और यहाँ पे जो इमोल्यूमेंट्स हाई की जो रेस्ट्रिक्शन लगी थी वो आरबीआई ने हटा लिया, तो उसका पूरा इंपैक्ट भी पड़ता हुआ। तो दोनों ही स्टॉक्स अगर आप देखें अब एक अच्छा मूव देते हुए। अच्छा एक और चीज देखिए आप, अब थोड़ा फोकस करते हैं जिस प्रकार का बाजार है, जिस प्रकार का मोमेंटम है बीटीएसटी लॉन्ग ट्रेड्स पे। राहुल बीटीएसटी रेट से फोकस करते हैं, वो ट्रेड्स जो कि आप कल के लिए कैरी करना चाहेंगे लॉन्ग साइड पे या शॉर्ट साइड पे। आई होप आई थिंक वो लॉन्ग पे होंगे। बताइए आपका पहला ट्रेड क्या होगा बीटीएसटी ट्रेड। जी हाँ बिल्कुल, बीटीएसटी में मैं टाटा स्टील के साथ जाना चाहूंगा। मेरे हिसाब से टाटा स्टील में आज बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हो रही है, निफ्टी मेटल इंडेक्स भी काफी स्ट्रॉन्ग है, तो 4 से 25 का स्टॉप लॉस है टाटा स्टील बाय कीजिए। आई थिंक कल के सेशन में बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है कि हमें ऊपर में 450 का लेवल देखने में मिले। बहुत बढ़िया आपने कहा, तो बीटीएसटी ट्रेड है टाटा स्टील। थोड़ी देर पहले भी देखिए इसके ऊपर राजेश पालविया साहब से भी बात हो रही थी, जिक्र हो रहा था और
बुरी खबरों के बावजूद ये स्टॉक बढ़ रहा है, यानी इसमें कुछ पक रहा है और दिन के हाईस पर देखिए ये स्टॉक कारोबार करता हुआ आपको नजर आएगा। अब शुगर सेक्टर के लिए कोई खबर आ रही है, कल सुबह कैबिनेट की सीसीए की बैठक है ये तो हमें पता है, थोड़ी देर पहले देखिए लक्ष्मण ने ही आपको ये जानकारी दी थी इसी चैनल पर, शुगर सेक्टर के लिए एफआरपी पर फैसला संभव, तो एफआरपी पर ही फैसला हो रहा है, ध्यान रखिए पॉजिटिव नहीं होगा फिर मेरे ख्याल में अगर एफआरपी पर ही हो रहा है, पर देखना होगा कि एक बार तेजी मत करिएगा आप बलरामपुर चीनी में और ये स्टॉक सब भाग रहे हैं पहले से ही, ध्यान रखिएगा। एक बार लक्ष्मण के पास चलते हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अगर खाली एफआरपी पर ही फैसला हो रहा है ये तो हमें पता है, लक्ष्मण बताइए क्या जानकारी हाथ लगी है आपके? देखिए दरअसल हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक कल जो कैबिनेट और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक होने वाली है उसमें चीनी सेक्टर के लिए, जी हाँ शुगर सेक्टर के लिए जो हम अच्छी खबर की उम्मीद कर रहे थे वो अच्छी खबर शायद ना आए। okay. तो मुझे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक इस बार जो कैबिनेट का प्रस्ताव है उसमें सिर्फ और सिर्फ गन्ने की सरकारी खरीद की कीमत बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है, जिसको तकनीकी भाषा में हम लोग एफआरपी कहते हैं, तो सिर्फ एफआरपी बढ़ाने को मंजूरी मिल सकती है। ये एफआरपी 275 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 285 रुपए प्रति क्विंटल करने का प्रस्ताव है। तो एमएसपी हाइक नहीं आ रहा, मतलब एमएसपी कट नहीं आ रहा? बिल्कुल आपने सही कहा, एमएसपी जो कि चीनी की कीमत बढ़ानी थी जिससे चीनी कंपनियों को राहत मिलना था करीब 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का, वो राहत फिलहाल कल की बैठक से नहीं मिलने की संभावना है। मुझे जहां तक खुद बता रहे हैं कि नहीं के बराबर संभावना है कि एमएसपी में बढ़ोतरी हो, सिर्फ और सिर्फ एफआरपी में बढ़ोतरी होगी। अगर सिर्फ एफआरपी में बढ़ोतरी होती है तो चीनी कंपनियों के लिए थोड़ी सी निराशा वाली खबर जरूर होगी। अच्छा आपने बता दिया, आज पूरे दिन में बाजार में गर्मी हो रही थी कि पता नहीं क्या निकल कर आएगा चीनी की कंपनियों में, कल कैबिनेट की बैठक होने वाली है ध्यान रखिए, इसलिए मैंने कहा खाली अगर ये फ्लैश जो पहले चला कि एफआरपी में बढ़ोतरी हो रही है, एफआरपी में बढ़ोतरी तो देखिए पता है हमें, लेकिन अगर एमएसपी में बढ़ोतरी होती यानी 3 रुपए की बढ़ोतरी जो होने की बात थी, और ये भी लक्ष्मण ऐसे ही हो रहा है तारीख पे तारीख स्पेक्ट्रम वाले मामले पर भी और ये वाला मामला भी काफी दिन से टल गया नहीं? बिल्कुल दरअसल एमएसपी बढ़ाने के लिए प्रस्ताव कैबिनेट के पास जाना भी नहीं था, लेकिन चूंकि एमएसपी बढ़ने से क्या होता है कि भले ही आप चीनी कंपनियों को राहत दे रही है, कंज्यूमर को थोड़ा सा महंगाई दर बढ़ने का खतरा रहता है, क्योंकि महंगाई दर अभी आप देखें आलू कीमत बढ़ गई, सब्जी कीमत बढ़ गई, तो सरकार थोड़ा सा इसमें संभल कर कदम उठाना चाहती है, इसीलिए एमएसपी का फैसला सरकार जितना संभव हो टालना चाहती है, हालांकि बेसब्र हो सकता है लेकिन फिलहाल सरकार को टालना इसलिए चाहती है ताकि महंगाई पर जो अभी थोड़ी सी बढ़ोतरी दिख रही है उसमें और ज्यादा बढ़ोतरी ना हो जाए। एमएसपी बढ़ाने से खतरा यह है कि आग में घी का ना काम कर जाए, इसलिए सरकार थोड़ा सा इसको संभल करके फैसला ले रही है। यही वजह है कि आपने देखा होगा कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हुई, फिर कैबिनेट का प्रस्ताव गया, भी बता दूं कैबिनेट एमएसपी एफआरपी बढ़ाने का प्रस्ताव था, लेकिन फिलहाल कहा गया कि नहीं एफआरपी ही लाओ, एमएसपी बढ़ाने का प्रस्ताव फिलहाल हम नहीं इस पर विचार करेंगे, तो शायद कल सिर्फ एफआरपी बढ़ता हुआ आपको दिखे। एफआरपी बढ़ने का मतलब यह है कि चीनी कंपनियों को जब गन्ना खरीदेंगी वो किसानों से तो उनको ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी, तो पहले खराब खबर आएगी। हालांकि 10 रुपए बढ़ रही है ठीक है, ये बात पता भी था और पिछले सीजन में बढ़ा नहीं था, लेकिन देखिए बीटीएसटी मत करिएगा चीनी शेयरों में, ये बिल्कुल साफ है, कई सारे लोग देखिए करने के मूड में थे और क्या तेजी देखने को मिल रही थी, तो इसीलिए देखिए लक्ष्मण रॉय ने आपको मार्केट आवर्स में ही बता दिया है कि कल क्या हो सकता है। अच्छा और भी कुछ एजेंडा हाथ लगाया क्या? ये देखिए सारे चीनी के शेयर भागे हैं यही होप में, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा लक्ष्मण जो बता रहे हैं वो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बता रहे हैं। क्या कुछ और आ सकता है, कुछ ऐसी जानकारी भी हाथ लगी है क्या निकल कर आएगा इसके अलावा, चीनी के अलावा कौन कौन से मुद्दे हैं और इस कैबिनेट की बैठक के इंपॉर्टेंस भी समझाइए, क्योंकि पिछले दो या तीन सीसीए कैबिनेट की बैठक नहीं हुई है मेरे ख्याल में, और मुझे करेक्ट करिए अगर मैं गलत बोल रहा हूं। नहीं बिल्कुल आपने सही कहा, दरअसल ये जो कैबिनेट की बैठक है उसके दो लिहाज से काफी अहमियत है कि कम से कम दो हफ्ते बाद ये कैबिनेट की बैठक हो रही है। दूसरी बात, ये कैबिनेट की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही है और ऐसे समय पर हो रही है जब अमित शाह जो गृह मंत्री है खुद वो बीमार हैं, अभी अस्पताल में एडमिट हैं। मुझे लगता है बेहद जरूरी जो आइटम होगा सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। जापान के साथ कुछ करार किए जाने के लिए एमओयू कुछ है, उस पर मंजूरी मिलने की संभावना है, और जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव होते हैं जहां तक मेरी जानकारी होती है, मैं तो कवर करता हूं, महत्वपूर्ण प्रस्ताव होता है कई बार उसको कैबिनेट के एजेंडे में नहीं रखा जाता है, टेबल एजेंडे के तौर पर रखा जाता है, तो कल जब कैबिनेट की बैठक हो चुकी रहेगी हो सकता है कई बड़ी खबर आपको निकल करके आए। कितने बजे शुरू होगी, कितने बजे खत्म होगी, कुछ इसका हमें आइडिया दीजिए प्लीज लक्ष्मण।
10:15 कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। सबसे पहले 5 से 10 मिनट कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक चलेगी, उसके बाद जो है कैबिनेट की बैठक चलेगी, तो 12 बजे तक आपको इसका आउटकम पता चल जाएगा, 12:30-12 बजे। तो उम्मीद की जाए, आपके पास तो जनरली पहले ही न्यूज आ जाती है, तो लक्ष्मण देखिए लगे हुए हैं और जैसे जैसे न्यूज आती रहेगी वैसे वैसे लक्ष्मण हमें बताते रहेंगे। दिन भर रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। सबसे पहले कैबिनेट की बैठक के एजेंडा, कैबिनेट की बैठक में क्या हो सकता है, पॉलिसी सरकार क्या बना रही है, कौन सी पॉलिसी टल रही है, इस सब का पूरा लेखा जोखा लक्ष्मण रॉय के पास रहता है और वो आपको सबसे पहले बता देते हैं। शुक्रिया आपका लक्ष्मण ये बताने के लिए कि एमएसपी वाला मामला फिलहाल कल नहीं आने वाला, जो लोग होप लगाकर देखिए आज जा रहे थे, तो अच्छा है हमारे दर्शक जो है वो अब यहां पर थोड़े से सतर्क होंगे। और देखिए बात करते करते बलरामपुर चीनी का शेयर जो करीब 5% ऊपर था वो अब धीरे धीरे करके नीचे आता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो शॉर्ट वगैरह मत करिएगा क्योंकि मजार बहुत मजबूत है, लेकिन बीटीएसटी ये नहीं करनी चाहिए। तो क्या करनी चाहिए बीटीएसटी, पालिया साहब आप बताइए। राहुल शर्मा जी तो कह रहे हैं टाटा स्टील उनको पसंद है, आपका बीटीएसटी आइडिया दीजिए प्लीज। तो हेमंत जी बिल्कुल, स्टील तो राहुल जी ने खरीद लिया तो मैं सीमेंट खरीदने की सलाह दूंगा और उसमें अंबुजा सीमेंट खरीदने की सलाह दूंगा। ये स्टॉक में देखें तो करीब 6% का ओपन इंटरेस्ट ऐड होते हुए दिख रहा है और ये स्टॉक में जिस तरीके से कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया अल्ट्राटेक सीमेंट में, हमने ऑलरेडी एक तेजी अच्छी देख ली है, और जिस तरीके से अंबुजा सीमेंट में पिछले कुछ दिनों में एक कंसिस्टेंट बाइंग देखने को मिली है, मुझे लग रहा है ये स्टॉक को बीटीएसटी करके जाना चाहिए। 235-238 तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए अंबुजा सीमेंट में कल के सेशन में। करंट लेवल से जो स्टॉप लॉस रखेंगे वो 225 के आसपास रखेंगे। और अगर हेमंत जी अगर आपकी इजाजत तो एक कैश सेगमेंट का स्टॉक भी मैं देना चाहूंगा यहाँ सर। बिल्कुल बताइए प्लीज। सो वो स्टॉक होगा IDFC लिमिटेड को अगर हम देखें तो पिछले 3 दिनों से अगर हम देखें स्टॉक ने जिस तरीके से 200 डे मूविंग एवरेज सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है और आज के सेशन में काफी अच्छी बाइंग एक्शन देखने को मिली, मुझे लग रहा है IDFC लिमिटेड भी एक बीटीएसटी का ट्रेड अच्छा साबित हो सकता है कल के सेशन में। हमें लगता है 30 से 31 रुपए तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए, करंट लेवल से 27 रुपीज का स्टॉप लॉस रखें। और मेरे हिसाब से अगर बीटीएसटी के अलावा भी अगर इसको कोई पोजिशनल भी होल्ड करता है तो मुझे लग रहा है जिस तरीके का फॉर्मेशन है 34 रुपए से 36 रुपए तक के टारगेट भी पोजिशनल बेसिस पर अगर इसको होल्ड रखें तो आते हुए दिखना चाहिए। ओके, तो जो IDFC लिमिटेड है वो याद रखिएगा 6 मंथ हाईस पे ट्रेड कर रहा है राजेश, की कैश कॉल है। और देखिए यहाँ पर मेटल्स भी हो गए, टाटा स्टील भी हो गया जो कि अब भी डे हाई की ट्रेजेक्टरी में है, यानी राहुल ने जो कॉल दी उसके बाद एक और स्पर्ट आया इस स्टॉक में। और अंबुजा सीमेंट्स जो है वो है कॉल राजेश जी की बीटीएससी ट्रेड के तौर पे, जरा प्लीज आपकी स्क्रीन पे है 235-238 तक के लक्ष्य होंगे। श्रीकांत बीटीएससी ट्रेड आपका क्या रहेगा बताइए, क्या पिक करेंगे आप? शैल जी वैसे हमने सीमेंट स्टॉक्स आज मॉर्निंग में कवर किए थे और सभी में जो ओपन और लो था वो सेम था, तो काफी क्लियर ट्रेड से और काफी अच्छा एक्चुअली उस सेक्टर ने परफॉर्म किया और ट्रेडर्स के पैसे भी बनाए होंगे। बट मुझे भी लगता है कि जैसे कि ओवरऑल एक्शन जो है वो भी टर्न हो रहा है और बैंक्स में आ रहा है, तो बैंक्स में हम थोड़े से कॉन्फिडेंट कॉल्स ले सकते हैं। और यहाँ पे मुझे लगता है कि HDFC बैंक ये एक स्टॉक ऐसा है कि जो एक हायर बॉटम बना के एक कल के हाई के ऊपर काफी कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर रहा है, काफी अच्छे वॉल्यूम्स है, तो करंट लेवल से HDFC बैंक को बाय करके चल सकते हैं। 1040 का स्टॉप लॉस रखना है हमें और टारगेट्स हम रखेंगे यहाँ पे कम से कम 1100 और 1110 के, तो 1100 के टारगेट्स के लिए 1040 के स्टॉप लॉस के साथ HDFC बैंक को लॉन्ग करके चल सकते हैं। तो सर फिर निफ्टी कहाँ जाएगा ये भी थोड़ा सा बताइए, HDFC बैंक में अगर आप इतना बड़ा BTST 1100 के ऊपर ले जाएंगे, यानी जितना आज चला है उससे ज्यादा चलेगा, और क्या शानदार कॉल है ये, पहले तो मैं आपको बताऊँ, ये बताइए फिर निफ्टी के टारगेट भी बता दीजिए 1100 HDFC, तो निफ्टी कहाँ, आपका मैथ्स काफी तेज है 11500 का लेवल आएगा, क्योंकि 11500 तो एक ऐसा लेवल है कि जहाँ पे काफी सारा कॉन्सेंट्रेशन खड़ा है और काफी सारे लेवल्स एक्सटेंशन के लेवल्स भी वहां पे ही आ रहे हैं, तो 11500 के लेवल्स पहले भी ड्यू थे लेकिन मार्केट ने एक अच्छा खासा एक गुगली डाल के काफी अच्छा एक क्लीन बोल्ड किया है काफी सारे ट्रेडर्स लोगों को, लेकिन जो वापस एंटर हो सके है उनके लिए मुझे लगता है कि 11500 के टारगेट्स काफी नजदीक में दिखाई दे रहे हैं। बहुत सही कहा आपने, तो 11500 वहां से देखिए करीब करीब वो उल्टी गिनती डायरेक्टर साहब दिखाते रहिएगा ताकि लोगों का कन्विक्शन बना रहे और लोगों को समझ में आए कि देखिए बाजार को डाउट मत करिए, जब तेजी में है तो जब तक इंपॉर्टेंट लेवल्स टूट नहीं जाए तब तक आपको डाउट करना नहीं चाहिए इस मार्केट को धीरे धीरे करके, और धीरे धीरे करके वीरू अच्छा भी है, बहुत स्पीड से भाग जाते तो गिरने की संभावना ज्यादा रहती है। इस बार 11500
500 के पार निकलेंगे और खड़े होंगे ना, तो फिर आगे के लेवल्स की तब बात करेंगे। देखिए इस साल के अंत में अगर डाओ नैसडेक ऑल टाइम हाई लगा सकता है तो हमारे बाजार ने क्या बिगाड़ा है, हमारे यहाँ क्यों नहीं लग सकता। अब लोगों को ये सोचना पड़ेगा, देखिए, और ये लोग सोचेंगे, मजबूर होंगे, क्योंकि क्या गजब की रैली इस समय देखने को मिल रही है। अगर HDFC बैंक भागेगा और सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक ने देखिए अच्छी पूंजी जुटा ली है, ICICI बैंक को आज हमने निफ्टी का नवाब बनाया, RIL अगर देखिए साथ दे रहा है कंसोलिडेशन के बाद, तो फिर यहां से और अच्छी रैली देखने को मिलेगी, ये बात तो पक्का है। अब बाजार में थोड़ी देर में हमारे साथ नीरज भी जुड़ेंगे, जो बताएंगे आपको नया खिलाड़ी उनका कौन सा है, यानी कल का खिलाड़ी आज एक नया शेयर उनकी टीम में कौन सा आने वाला है। तो 6 मिनट बचे हैं, लेकिन उससे पहले एक स्टॉक 2020 का दिखाइए डॉक्टर साहब, क्या कमाल के बल्लेबाज आज दोनों ही टीम्स में देखने को मिले थे, और उसके बाद देखेंगे इस समय टीम किस तरह का प्रदर्शन बता रही है, और उसके बाद एक नया स्टॉक भी आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन देखिए स्टॉक 2020 का एक क्विक रिकैप। HBL पावर, HBL इलेक्ट्रिक, सेल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे स्टॉक्स के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए, इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर्स पर भी नजर रखिए, और उसके बाद देखिए अब ऑटो एंसरी स्टॉक्स की झड़ी है मेरी टीम में, रिको ऑटो, NRB बेयरिंग, मुंजाल ऑटो एंसरी पे पूरा फोकस था, ल्यूमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजी, सुब्रोज, टाइलब्रोज, रिकॉल, मुंजाल ऑटो, ये सारे स्टॉक्स में खरीदारी करके चली। नेलकास्ट 8% ऊपर, जय भारत मारुति 6.5% ऊपर, मुंजाल ऑटो 4% ऊपर, और मेरी टीम में आपको सेबको नजर आया, ये सर्किट लग चुका है 10% का, छोटी टिकट साइज का शेयर है, और इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर्स, मैंने थोड़ा कैपिटल गुड्स और ट्रांसफॉर्मर्स वाली कंपनियों के ऊपर भी फोकस किया था, तो जरूर जुड़ा करिए 7:20 पर सुबह सवेरे। और देखिए ये तमाम स्टॉक्स हैं जो दमदार प्रदर्शन इस समय दिखा रहे हैं, दोनों ही टीम्स में आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं, और जो सेक्टर चुना गया था वो ऑटो एंसिलरी सेक्टर चुना गया था, और क्या गजब का मूवमेंट ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स ने दिखाया है। और ये भी देखिए लक्ष्मण रॉय की एक्सक्लूसिव खबर थी कि सरकार ऑटो एंसिलरी सेक्टर को दरअसल अब इंसेंटिव देने की योजना बना रही है। मैं एक राय सुदीप सर आपकी भी लेना चाहता हूं, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स पर सरकार अब काम कर रही है, और यह आई है कि जो आप कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर की शुरुआत में बात कर रहे थे, आप बजाज इलेक्ट्रिकल और वी गार्ड की बात कर रहे थे, उस सेक्टर के लिए भी बढ़िया खबर निकल कर आ रही है, सरकार चाहती है भारत में बने और भारत के अलावा दुनिया भर में बेचा जाए। बताइए ये खबर आपको कैसी लगी, और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पर तो आपने बात करी, दूसरे सेक्टर जिसको सबसे ज्यादा फायदा होगा वो है ऑटो एंसिलरी सेक्टर, आपके फेवरेट्स कौन से हैं उसमें? जी आपने बिल्कुल सही कहा, ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है और ये करना भी चाहिए, क्योंकि एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी इंडिया के सामने है मेक इन इंडिया को सक्सेसफुल करने का, जबकि माहौल ऐसा बन रहा है कि सारे ग्लोबल जो दिग्गज मैन्युफैक्चरर्स हैं ऑटो इंडस्ट्री के हो या अदर इलेक्ट्रिकल गुड्स के हो, वो ऑल्टरनेट मैन्युफैक्चरिंग बेस ढूंढ रहे हैं। अगर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट किया गया तो जरूर हम लोग अच्छा खासा ग्लोबल मार्केट का शेयर, ग्लोबल सप्लाई चेन में इंटीग्रेट हो पाएंगे। ऑटो एंसिलरी क्षेत्र की अगर बात करें, हम इस सेक्टर में पॉजिटिव है कुछ दिनों से, और इस सेक्टर में उन कंपनीज में पॉजिटिव है जिनका की ग्लोबल डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस है। इनमें से दिग्गज कंपनी मदरसन सुमी का मैं जिक्र करना चाहूंगा, भारत फोर्ज का मैं जिक्र करना चाहूंगा। देखिए सबसे बड़ी बात है कि इनका जो 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 कस्टमर बेस है, ये सारे दिग्गज ग्लोबल प्लेयर्स हैं, जो सारे लग्जरी कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, वॉक्सवैगन है, डेवलर बेंज है, BMW है, ऑडी है, सारे इनके कस्टमर्स हैं, मदरसन सुमी के कस्टमर्स हैं। और आने वाले दिनों में जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो परिवर्तन आ रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, इससे प्लास्टिक पार्ट्स और एडवांस पार्ट्स के कंट्रीब्यूशन गाड़ी में बढ़ रहा है, और यहाँ पे मदरसन सुमी जो यूरोपियन एक्विजिशन किया पिछले साल, उसके जरिए एक बहुत पॉजिटिव पोजीशन में है, और हम लोगों को लगता है कि आने वाले दिनों में इनका परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और मार्केट परफॉर्मेंस दोनों बेहतरीन होगा, तो यहाँ पे निवेशक खरीदारी कर सकते हैं। इंडिया में भी अच्छा खासा मैन्युफैक्चरिंग बेस है। इसके अलावा भारत फोर्ज, जहाँ पे US हैवी व्हीकल का सेल्स बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में और बढ़ने की उम्मीद है, परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक था, उम्मीद से बेहतर परफॉर्मेंस Q1 में आया था, यहाँ पे भी खरीदारी की जा सकती है।
तो ये पूरा सेक्टर भागता हुआ नजर आ रहा है और अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। वीरू, आज हम लोग सुबह सुबह बात कर रहे थे कि मंगलवार है और जय भारत मारुति ना चले, ऐसा तो देखिए हो नहीं सकता। एक बार दिखाइए डॉक्टर साहब ये अनफिनिश्ड एजेंडा जो हम लोग सेकंड हाफ में कंप्लीट करते हैं। कल हमने कंप्लीट किया था मन इंफ्रा में 20% का सर्किट लगा था और देखिए अब भारत जय भारत मारुति और इसके नाम के पीछे मारुति भी है देखिए, और ये शेयर बहुत ही बढ़िया कंपनी भी है। अब पालिया साहब बताइए 10% वाला कैंडिडेट लग जाएगा आज? जी बिल्कुल हेमंत जी, बिल्कुल इसमें लग जाएगा और जिस तरीके से एक्शन है ये इन सेक्टर में, मुझे लगता है बिल्कुल ये स्टॉक को लेके जाना चाहिए। इवन मुझे लगता है कि इसमें और भी यहाँ से आगे के टारगेट के लिए होल्ड करना चाहिए स्टॉक में, क्योंकि पूरे सेक्टर में जिस तरीके से बाइंग होते हुए दिख रही है मुझे लगता है कि ये स्टॉक को लेके जाना चाहिए। सर्किट तो लगेगा इसमें और आगे के जो टारगेट लगते हैं मुझे लगता है 260 तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। वीकली चार्ट के हिसाब से भी स्टॉक में एक ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है आज के सेशन में और ये ब्रेकआउट के ऊपर आज क्लोज कर रहा है, मुझे लगता है 260 तक के टारगेट एक्सटेंड होते हुए दिखना चाहिए, तो बिल्कुल इसको लेके जाना चाहिए। चार्ट करना चाहिए, देखिए टारगेट्स आराम से एक्सटेंड होते हुए दिखेंगे वीरू। और आज हम लोग सुबह सुबह बात कर रहे थे, देखिए ये मंगलवार जो है वो इस तरह के स्टॉक्स के लिए बहुत काम कर रहा है। ये नीरज की टीम का ही खिलाड़ी था, आज एक बार डॉक्टर साहब दिखाइए नीरज की टीम में। मेरे ख्याल में इसको या तो डिपेंडेबल या फ्रीड का दर्जा उन्होंने दिया था और सुबह भी हम यही कह रहे थे, देखिए कुछ शेयर सुबह में चलते हैं, कुछ शेयर उसके बाद सेकंड हाफ में चलते हैं और ये स्टॉक्स पर फोकस होगा। देखिए कल कैबिनेट की बैठक भी, ध्यान रखिए ये सेक्टर आज का सेक्टर नहीं है। आपने देखा रियल एस्टेट सेक्टर में 2 दिन तक तेजी हुई है, तो अगर आप सोच रहे हैं कि एक ही दिन तेजी होगी तो शायद आप अंडर एस्टिमेट करेंगे इस न्यूज को जो लक्ष्मण रॉय ने आपको बताई है। देखिए उन्होंने सोमवार को बताया था रियल एस्टेट शेयर सोमवार को भी भागे, मंगलवार को भी, आज भी भागे हैं। और देखिए आज ये खबर आपके सामने आई है और ये सारे के सारे स्टॉक्स भागते हुए नजर आए। मुंजाल शोभा भी एक बार दिखा दीजिए, उसके बाद नीरज के पास चलते हैं। मुंजाल शोभा डॉक्टर साहब इसको भी लाइए, ये मेरी टीम में शामिल था, इस पर भी देखिए हम लोग सुबह सुबह चर्चा कर रहे थे कि ये भी ये 10% वाले कैंडिडेट्स तो हैं, देखिए आज भागेंगे, बढ़िया प्रदर्शन दिखाएंगे। तो मुंजाल ऑटो नीरज की टीम में था और मुंजाल शोभा मेरी टीम में देखिए शामिल था और अब ये फ्लैट है, ये भी 10% का कैंडिडेट है और बहुत आराम से 10% का कैंडिडेट है। एक बार इस पर भी अपना मिडास टच दीजिए राजेश पालविया साहब, बताइए ये भी भाग सकता है? कल भी मैं देख रहा था 10% का अपर सर्किट इसमें लगा था, लॉक हुआ था और आज फिर देखिए ऊपर है। जी हाँ बिल्कुल हेमंत जी, आपने चर्चा स्टार्ट की, स्टॉक में एक एक्शन जरूर आते हुए दिख रहा है और मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक का सेटअप भी जो है वो दर्शाता है कि 152 155 तक के इसमें अपसाइड के मूव आते हुए दिखना चाहिए, तो बिल्कुल ये स्टॉक को भी लेके जाना चाहिए। इसमें भी जो फॉर्मेशन बन रहा है अगर वीकली सेटअप के हिसाब से देखूं तो मैं 155 तक की मुझे लगता है इसमें रैली कंटिन्यू रहना चाहिए। ओके, इस बीच जय भारत मारुति को देखिए 239.80 राजेश का जो टारगेट है याद रखिएगा वो 262 का है और 262 क्या है याद रखिए 1 फरवरी को इसका एक हाई था, यानी जिस मोमेंटम ये अब ये आया है ना फ्रेंकली स्पीकिंग बहुत दूर तक कोई बड़ा सप्लाई जोन नहीं है और डे हाई और 10% ऊपर हो गया। अच्छा आप चलते हैं नीरज जी के पास कल का खिलाड़ी आज समझने के लिए कौन सा स्टॉक उन्होंने पिक किया है। नीरज जी बताइए। देखिए कल का खिलाड़ी आज हमने एक ऑटो एंड सैलरी कंपनी चुना है जो थोड़ा लेसर नोन नाम है लेकिन बहुत बढ़िया कंपनी है, उसका नाम है मयूर यूनिकोटर्स। और मयूर यूनिकोटर्स काम क्या करती है कि ये आर्टिफिशियल लेदर बनाती हैं जो ऑटो कंपनीज की सीट में इस्तेमाल होता है, लेदर कंपनीज इसका जूते बनाने में इस्तेमाल करती हैं, तो ये एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। पीवी कोटेड फैब्रिक बोलते हैं इसको और वो इसका काम करता है, भारत की सबसे बड़ी कंपनी है इस सेगमेंट की। तो इसको इसलिए चुना क्योंकि पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि नतीजे वगैरह इसके कमजोर आए, वो इसीलिए क्योंकि पूरा लॉकडाउन था, लेकिन अब इसमें बहुत ज्यादा काम होने लगा है। हाल ही में इनकी जो है बातचीत चली है कि तमाम जो ऑटो की कंपनीज हैं, ओरिजिनल मेकर्स हैं जो फॉरेन की कंपनीज हैं उनके साथ इनकी बात चल रही है। बीएमडब्ल्यू के साथ इनका एक अप्रूवल हो गया है और उसके साथ ही इनकी यूरोपियन मार्केट में तगड़ी एंट्री होगी। फोक्सवैगन ने ऑलरेडी अप्रूव कर दिया है इनके प्रोडक्ट को जो अपनी गाड़ियों में वो इस्तेमाल करेंगे, तो इससे क्या फायदा होगा कि भारत में तो अभी इनकी तगड़ी पहुंच ही है, अब ये फॉरेन में भी अपनी खासतौर पर यूरोपियन मार्केट में इनकी अच्छी पहुंच बनेगी। बीइंग लार्जेस्ट कंपनी 30 लाख मीटर के आसपास का ये पर मंथ प्रोडक्शन करते हैं और वो ऑटो कंपनीज में पूरी तरीके से खपत हो जाता है। दूसरा जो सेगमेंट बड़ा है शूज वाला, जहां पे मेरे ख्याल में इस समय आप किसी जूते की दुकान में जाएंगे तो आपको शायद 10-20% जूते ही होते हैं जो ओरिजिनल लेदर के, जिसको जेन्युइन लेदर बोलते हैं वो होते हैं, अदरवाइज सारे जो है दूसरे तरीके के लेदर के होते हैं वो
यही लेदर होता है जो आर्टिफिशियल पीयू कोटेड की लेदर होती है, तो उस वजह से इस कंपनी को चुना। दूसरी बड़ी वजह यह है कि इसको डीरेट कर दिया गया था पिछले दो क्वार्टर में जब इसके नतीजे काफी कमजोर है, और अब ये री रेटिंग के लिए पूरी तरीके से तैयार है। बैलेंस शीट बहुत ही स्ट्रांग है और रिबाउंस करने के लिए एकदम तैयार है, क्योंकि जो ऑटो कंपनी से इनको फीलर मिले हैं मैनेजमेंट की कमेंट्री में वो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि यहां से आगे जाते हुए उनको प्री कोविड लेवल के ऑर्डर्स पूरे सप्लाई करने पड़ेंगे। तो इसके लिए हमें लगता है कि इस स्टॉक को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही मजबूत कंपनी है और इसके फंडामेंटल्स भी आप नजर डालिए वहां पे भी आपको काफी कंफर्ट देखने को मिलेगा। स्टॉक के जो नतीजे पहले आपको बता दूं, पूरा इन्होंने FY 20 जो क्लोज किया वो 516 करोड़ के रेवेन्यूज पे क्लोज किया था, उससे पहले 573 करोड़, यानी बहुत फर्क नहीं पड़ा अगर आप चारों तिमाहियों को जोड़ के देखें तब भी 81 करोड़ का प्रॉफिट बनाने में सफल रहे। अब पहला हाफ इस क्वार्टर का है ठंडा गया है, तो सेकेंड हाफ में आपको पेंट अप डिमांड आती हुई दिखेगी और उसका ये फायदा उठाएंगे, खासतौर पे शूज कंपनीज की जो सेकेंड क्वार्टर से शुरू होगी जबरदस्त खपत, उसका फायदा इनको मिलेगा। और जो फेस्टिवल सीजन का फायदा दोनों सेगमेंट में होता है, गाड़ियों वाले में भी होता है और जो शूज वाला सेगमेंट होता है उसमें भी होता है, होम फर्निशिंग में भी इनके जो प्रोडक्ट है वो यूज होते हैं, पीयू लेदर जिसको बोलते हैं। तो मैं लगता है कि इस कंपनी को ध्यान में रखिए, बहुत ही स्ट्रांग फंडामेंटली कंपनी है, बैलेंस शीट पे काफी कैश भी है इनके और उसकी वजह से इसको काफी फायदा मिलता हुआ दिखेगा। एक रफ आइडिया आपको बता दूं, करीब करीब 550 करोड़ रुपए के रिजर्व है इनके पास और डेट तो बहुत मामूली 30 करोड़ का है, अगर उसको आप हटा दीजिए और 84 करोड़ के अदर लाइबिलिटी हटा दीजिए तो 350 करोड़ की कैश है बैलेंस शीट में। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है इनको रीओपनिंग में और इनके जो सारे प्लांट्स हैं अब वो ऑपरेशनल है। तो मुझे लगता है ये स्टॉक रडार पे रखना चाहिए, बहुत ही बढ़िया कंपनी, बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है। अभी 2-3 दिन पहले बहुत सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी इसमें आई है, वो आप पढ़ सकते हैं। ओके, तो तमाम पहलू अगर आप देखें यहां पे नीरज जी ने आपको गिनाया है, इस वक्त स्टॉक लगभग 278.20 करीब 33 रुपए ऊपर ट्रेड करता हुआ, करीब 13.5% की तेजी यहां पर है और इसका पैटर्न बेहद शानदार है। आई थिंक राजेश, मैं आपसे आपका एक टेक चाहूंगा, इसका चलने का जो पैटर्न है ना वो टिपिकल फ्लैग है, आई मीन और उसके बाद जो ब्रेकआउट आता है तो वो बहुत स्ट्रांग होता है, सब्सटेंशियल होता है। आप देखिए जून का वो 30 जून और साथ ही साथ 29 जून का प्राइस बिहेवियर 279 अभी आपकी स्क्रीन पर। आपको लगता है कि एक लेवल में देख रहा हूं वो करीब करीब है 310-320 प्रैक्टिकली, जो कि फरवरी का हाई भी है, उस ट्रेजेक्टरी तक ही जा सकता है क्या राजेश? मयूर यूनिकोटर्स बिल्कुल 310 ऑन द हायर साइड। या वीरेन जी बिल्कुल, स्टॉक में अगर देखें तो सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, वीकली सेटअप देखें तो एक राउंडिंग बॉटम इसमें बनते हुए दिख रहा है और जो ये दर्शाता है कि स्टॉक में 305-310 तक के इमीडिएट टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। करंट लेवल से जो स्टॉप लॉस बनता है, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी अब एक बार अच्छी तेजी आज के सेशन में दिखा चुका है, 270 का स्टॉप लॉस रखे, मुझे लगता है कि कल के सेशन में भी हो सकता है 300 तक के टारगेट इसमें देखने को मिले, तो इसका इमीडिएट टारगेट आ रहा है 305-310 तक का, तो वहां तक की तेजी मुझे लगता है बिल्कुल इसमें कंटिन्यू रहेगी मयूर यूनिकॉर्न में। राइट, तो स्टॉक के ऊपर रखिएगा नजर, बढ़िया प्रदर्शन दिखाता है, 13.5% ऊपर ये शेयर कारोबार करता हुआ आपको नजर आ रहा है। और देखिए आज जो आपको जो स्टॉक बताए जा रहे हैं पिछले एक आध घंटे में, एक बार उसका रिकैप कर देता हूं, जय भारत मारुति 10% का अपर सर्किट है, ये जो ऑटो एंसिलरी और ऑटो एंसिलरी सेक्टर के साथ जुड़ी हुई कंपनियां हैं, मुंजाल शोभा डेक्स आप दिखाइए, ये भी देखिए 6-7% की रैली इस समय दिखाता हुआ नजर आ रहा है और यही बात सुबह सुबह हुई थी कि ये सेक्टर जो है वो आज आपको पैसा बनाकर देने का दमखम रखता है। और ध्यान रखिए ये सेक्टर एक दिन नहीं, अगले इस हफ्ते देखिए और भी दिन चल सकता है और ये वो सेक्टर है जिसके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। रोटो पंप जो आशीष ने आपको बताया था जैकपॉट आइडिया, वो 10% के सर्किट पर ही है और सुबह से देखिए यहां पर सर्किट लगा हुआ है। नेलकास्ट, ये नीरज की टीम का खिलाड़ी था, 6% की रैली दिखा रहा है। तो सेक्टर ऑफ द डे तो साफ तौर पर देखिए आज दरअसल ऑटो एंसरी सेक्टर ही माना जाएगा 1.25% ऊपर और यही बात आज सुबह सुबह चल रही थी। दूसरा सेक्टर जिसने सबसे बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है देखिए वो है रियल एस्टेट पॉकेट वाला। देखिए स्टॉक्स डीएलएफ ने अच्छी तेजी दिखाई और बाकी के शेयरों में भी देखिए रैली देखने को मिली है। एसीसी अंबुजा ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। इवन इस समय अगर आप देखें तो अशोक लेलैंड एक ऐसा स्टॉक है जो इतनी स्पीड से बढ़ रहा है और एफएनओ वाला स्टॉक है देखिए, और थोड़ी देर पहले इसका जिक्र हुआ था जब भसीन साहब हमारे साथ मौजूद थे
तो वो ये बात कर ही रहे थे कि ये वो स्टॉक है जो बहुत ही देखिए साइडवेज रहा और उसके बाद बढ़ रहा है और हर रोज देखिए बढ़ा है, 10% का अपर सर्किट यहां पर लगता हुआ नजर आ रहा है। तो एफएनओ के बहुत सारे स्टॉक्स हैं जहां पर गजब का मूव आज के सत्र में देखने को मिल रहा है। और अगर आप सब में देखें तो ऑटो और ऑटो इंडस्ट्री स्टॉक्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा प्रदर्शन देखा जा रहा है। और सुबह भी वीरू हम लोग यही कह रहे थे आज कि देखिए पॉलिसी तो आएगी, स्क्रैपेज पॉलिसी अब कब आए ये पता नहीं, लेकिन आनी है। सरकार तो देखिए इसकी तैयारी कर ही रहा है। तो आज सुबह से जितनी बातें देखिए सीएनबीसी आवाज पर कही थी वो लगभग सही होती हुई नजर आ रही है। तो मुनाफे का लगातार पांचवा मंगलवार है और मंगलवार को देखिए आज बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिन्होंने मंगल में समाप्ति दी और फाइनली 11400 को आज हमने देखिए किस किया इंट्राडे में और उसी के करीब जाकर बंद हो रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया सेशन वीरू आज साबित हुआ। मेटल्स भी दिन के हाईस पर, हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि बहुत सारे मेटल स्टॉक्स हैं जो उनको पसंद है। श्रीकांत जी कह रहे थे उनको देखिए सेल पसंद है, टाटा स्टील में बीटीएसटी की राय दी गई, अंबुजा सीमेंट आपको राजेश पालिया जी ने कहा खरीदना चाहिए, आईडीएफसी लिमिटेड भी एक कैश का स्टॉक उन्होंने आपको बताया खरीदना चाहिए। और ये तमाम स्टॉक्स हैं जिन पर हमारी नजर कल के सत्र में भी होने वाली है। तो इससे बढ़िया दिन नहीं हो सकता। देखिए अब आप 11300 के ऊपर ही नहीं 11400 के करीब आप जाकर खड़े हुए हैं। याद करिए सुबह सुबह मैं इसी वॉल पर था जब बैंक निफ्टी ने 50-60 पॉइंट की तेजी दिखाकर एक बार 25 पॉइंट तक भी गया था और तब भी देखिए उसके बाद रिकवरी देखने को मिल रही थी आईसीआईसीआई बैंक के दम पर। और आईसीआईसीआई बैंक को आज निफ्टी का नवाब बनाया, आरआईएल को आज बाजार का बादशाह बनाया और हल्के हल्के करके देखिए सेकेंड हाफ में दूसरे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी तेजी की तरफ बढ़ने लगे। एंड अब आप देखिए 22,000 के ऊपर जाकर आज बैंक निफ्टी कम टेबली पर समाप्त हो रहा है। कंफर्टेबली मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 22,150-160 पॉइंट की लीड भी है इसके पास। तो ये बहुत ही बढ़िया संकेत है। डाउ फ्यूचर्स हरे निशान में है, फ्लैट है। तो अमेरिका के बाजारों में आज तेजी होगी ये हमने देखिए मोटा मोटी पचाया है। और मिड कैप की पार्टी तो देखिए पूरे अगस्त में जारी है। ये सीरीज जो है वो दरअसल मिड कैप के नाम रहने वाली है, स्मॉल कैप्स के नाम रहने वाली है। स्टॉक बताए जाते हैं देखिए सीएनबीसी आवाज पर और वो सर्किट की तरफ बढ़ जाते हैं। खुद बताता है कि ट्रेडर्स का कॉन्फिडेंस और मूड माहौल कितना हाई है। ऑटो इंडेक्स ने दूसरे दिन लगातार देखिए बढ़िया प्रदर्शन दिखाया। कल भी हम देख रहे थे ऑटो सेक्टर में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही थी और आज इसके साथ ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स ने भी दिया है। तो बहुत ही बढ़िया दिन था। पूरा का पूरा एक बार स्क्रीन दिखाइए डॉक्टर साहब ताकि समझ में आए कि मार्केट में आज ओवरऑल कारोबार कैसा रहा। तो एक बार हीट मैप दिखाइए, पता चलेगा शुरुआत कैसी हुई थी और अंत कैसी हो रही है। शुरुआत में आपने देखा था कि ये देखिए पूरी लकीर हरे निशान में थी और ये जो लीड है वो दिन भर देखिए आज बुल्स ने बरकरार रखी है। और अच्छी बात ये है शुरुआत में सुबह सुबह मैं आपको दिखा रहा था इस हिस्से में बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के स्टॉक्स थे और अब आप देखिए इस हिस्से में क्या है, सिप्ला सन फार्मा यानी डिफेंसेस बैक फुट पर है। ये अच्छा है आप देखिए तो फार्मा शेयरों ने आज बैक सीट ली है, ये बहुत ही बढ़िया बात मानी जाएगी। और हाई बीटा स्टॉक्स देखिए आगे आते हुए आपको नजर आ रहे हैं, ग्रासिम 6% ऊपर, अल्ट्राटेक ऊपर, तो ये दोनों ही एक ही ग्रुप की कंपनी, इसका फायदा इसको भी देखिए आज मिलता हुआ नजर आया है। और जेएसडब्ल्यू स्टील ने भी देखिए बढ़िया प्रदर्शन दिखाया, इनफैक्ट पूरा का पूरा मेटल स्पेस भागता हुआ नजर आया टाटा स्टील। और ये था देखिए वो स्टॉक जिससे आज बुल्स को कॉन्फिडेंस मिला है, जी हाँ आरआईएल। ये अगर 0.25% ऊपर नहीं होता तो आज हम दरअसल 11400 को छूने की जरूरत नहीं करते। तो आरआईएल की तरफ से साथ मिला और बैंकों की तरफ से साथ मिला, एचडीएफसी लिमिटेड ने देखिए बढ़िया प्रदर्शन दिखाया। तो आज का दिन ना बहुत ही सेटिस्फैक्टरी दिन था ये जरूर कहना चाहिए। दिखाइए डॉक्टर साहब एक बार वो सारे स्टॉक्स जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। ये वो स्टॉक है जो मैंने आपको बताया था कार्यक्रम की शुरुआत में 2:15 बजे के आसपास, अरविंद स्मार्ट स्पेसेस, इसने इंट्राडे में 20% का अपर सर्किट लगाया, एक नया 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर भी इसने छुआ। और यहां पर जो अहमदाबाद से देखिए खबर आई थी साफ तौर पर हमारे ब्यूरो की तरफ से ये बहुत ही पॉजिटिव खबर आई थी कि दरअसल अब आप ज्यादा ऊंची इमारत बना सकते हैं, ये ऐलान गुजरात की सरकार ने किया है। तो मनीष की इस खबर की वजह से देखिए आज 14% की रैली देखने को मिली है। मयूर यूनिकोटर्स, ये नीरज का कल का खिलाड़ी, आज इसके ऊपर कल भी नजर रहेगी, 14% की रैली देखिए इस स्टॉक ने दिखाई है। कल से हम लोग डीएलएफ की बात कर रहे हैं, आज ट्रेड एट 2 भी था, इसने इंट्राडे में अच्छा प्रदर्शन दिखाया। सोवा जैसे स्टॉक्स भी देखिए 8% की रैली आज
के सत्र में दिखाते हुए नजर आए। दूसरे दिन लगातार रियल एस्टेट सेक्टर भागता हुआ नजर आ रहा है और कल इस सेक्टर को हमने सेक्टर ऑफ द डे का दर्जा दिया था और तब कहा था मन इंफ्रा भागेगा, तब 20% भागा, आज सुबह सुबह फिर से इसकी बात हुई 7.5% की रैली। तो दो दिन में आप देखिए किस तरह का मूव स्टॉक ने दिखाया है। रोटो पंप या आशीष ने आपको आज जैकपॉट स्टॉक बताया था, कल सुबह फिर से इसके ऊपर नजर होगी। जनरली जैकपॉट 2-3 दिन तक भागते हैं। डायनामिक टेक्नोलॉजीज आपने देखा ही किस तरह का प्रदर्शन दिखा रहा था। एनआरबी बेयरिंग ने अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखाया, मेरी टीम में था और ये था नीरज की टीम का खिलाड़ी जय भारत मारुति, जिसने इंट्राडे में देखिए सेकंड हाफ में 10% का अपर सर्किट लगाया। टाटा स्टील भागता हुआ खराब खबरों के बावजूद, जेएसडब्ल्यू स्टील की हमने बात करी। नैलको पर देखिए खरीदारी करने की राय और सेल पर खरीदारी करने की राय आपको आखिरी सौदे में मिली। सेल पर श्रीकांत जी काफी बुलिश थे, वो ये कहते अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा और ये वो सीमेंट के शेयर हैं जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखाया। जनरली कमोडिटी साथ चलती है, मेटल और सीमेंट एक साथ चलता है, तो आप देखिए ये वो स्पेस थी जो आज आउट परफॉर्मेंस करती हुई वीरू नजर आई। बताइए एफएनओ में कौन से स्टॉक्स भागे वीरू? जी आज देखिए आज के सेशन में कल के सेशन के लिए जो स्टॉक्स बहुत स्ट्रॉन्ग ओआई लिखे जा रहे हैं यानी खुले सौदे लॉन्ग साइड पे तेजी के सौदे, याद रखिए अदानी एंटरप्राइजेस 214 पे क्लोज हुआ लेकिन ये टॉप ओआई गेनर रहा, लॉन्ग सौदे यहां पे सबसे जुड़े हैं। और रियल स्टेट स्पेस में आज जिन स्टॉक्स पे चर्चा हुई सबसे ज्यादा उसमें अगर आप देखें डीएलएफ शामिल था और गोदरेज प्रॉपर्टीज था। 898 पे गोदरेज प्रॉपर्टीज फ्यूचर्स क्लोज हुए, ये दूसरा सबसे बड़ा ओआई गेनर था। डीलिंग रूम चेक में यतिन ने आज उल्लेख किया था, मेंशन किया था बीपीसीएल को शॉर्ट साइड पे, आज यहाँ पे काफी शॉर्टिंग हुई, ये तीसरा स्टॉक था जहाँ पे शॉर्टिंग हुई है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस इस पे आज तीसरा ऐसा स्टॉक जिसमें स्ट्रॉन्ग ओआई ऐड हुआ है। आईटी से विप्रो, याद रखिए आईटी आज बहुत चला नहीं, सिर्फ माइंडट्री अगर आप छोड़ देते हो लेकिन विप्रो आज बहुत स्ट्रॉन्ग ओआई लेकर और साथ ही साथ बंधन बैंक ये अपने लिए कल के सेशन के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग ओआई लेके गया है और साथ ही साथ डीएलएफ। तो रियल स्टेट स्पेस से दो ऐसे स्टॉक रहे जिन्होंने काफी स्ट्रॉन्ग ओआई जोड़ा, वो था गोदरेज प्रॉपर्टीज और साथ ही साथ डीएलएफ। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीकांत आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी स्टॉक सर्विसेज पर आया रखिए आपने। राहुल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, राजेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और सुदीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हेमंत 2020 की ट्रेंड्स आज इस थीम के मद्देनजर रही कैसी? आज बढ़िया रही, दिखाते हैं आपको डॉक्टर साहब प्लीज एक बार पेश कर दीजिए वो स्टॉक 2020 का मुकाबला जो 7:30 बजे नियोज और मेरे बीच होता है, उसमें कौन से स्टॉक्स ने आज आउट परफॉर्मेंस दिखाया। 4.25% के रिटर्न्स मेरी टीम ने, नीरज की टीम ने देखिए करीब करीब 3% के रिटर्न्स कमा कर दिए। बढ़िया प्रदर्शन दिखाया जाएगा माना जाएगा क्योंकि मिड कैप इंडेक्स को आज आउट परफॉर्म किया है इन तमाम स्टॉक्स ने। सेप्को में सर्किट लगा 10% का, मुंजाल शोवा 5% ऊपर, इंट्राडे में 8-9% की रैली यहां पर भी देखने को मिली आज के सत्र में। एनआरबी बेयरिंग ने भी देखिए 5% की तेजी दिखाई, शांति गैस भी 5% क्लोजिंग बेसिस पर मजबूती के साथ जाकर बंद हुआ, हालांकि इंट्राडे में सारे स्टॉक्स ज्यादा ऊपर प्रदर्शन दिखा रहे थे। जय भारत मारुति सेकंड हाफ में देखिए इसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, नीरज की टीम का खिलाड़ी था, इन्होंने शायद फ्री हिट का दर्जा दिया था इस स्टॉक को और हम आज सुबह सुबह चर्चा भी कर रहे थे जय भारत मारुति है तो फिर आज 10% वाला कैंडिडेट है, हिंट भी दिया था। देखिए 10% का अपर सर्किट यहां पर लगता हुआ नजर आया, नेलका 7.5% ऊपर, सुब्रोस 4.25% की तेजी दिखा रहा था और मुंजाल ऑटो 2.5% ऊपर। तो ऑटो एंसिलरी सेक्टर आज सेक्टर ऑफ द डे था निसंदेह वीरू और देखिए इस सेक्टर ने क्या जबरदस्त कमाई करा कर दी आज हमारे ट्रेडर बंधुओं की। तो चलिए कल सुबह दोबारा जुड़िएगा हमारे साथ जब हम आपको फिर से बताएंगे 10 आइडियाज जो इंट्राडे में आपका मुनाफा कमाकर देंगे। और इसमें ये जो अभी अभी स्टॉक बताया था मयूर यूनिकोटस वो शामिल नहीं है, उसको जोड़ लीजिए तो वीरू कमाई और भी ज्यादा और नए खिलाड़ी को जोड़ लीजिए तो कमाई उससे भी ज्यादा। रेलवे सेक्टर के ऊपर आजकल देखिए फोकस कर रहे हैं नीरज और क्या गजब के रिटर्न्स रेलवे शेयर दे रहे हैं, राइट्स बता रहे थे। देखिए आज कल भी देखिए आरवीएनएल का जिक्र दो दिन से हो रहा था, तो मिड कैप में आग लगी हुई है और मिड कैप पर ही फोकस ये शो है तो देखा जरूर करिए सुबह सुबह उठकर स्टॉक 2020। चलिए ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। सोने चांदी के ऊपर बात होगी, कमोडिटीज बाजार की बातें होंगी ब्रेक के उस पार और कल सुबह सुबह फिर से वीरू और मैं आपसे मिलेंगे मुनाफे की तैयारी में और उससे पहले स्टॉक 2020 जरूर देखिएगा। नमस्कार।